Okay, we'll start and inshallah, Shahbaz will join in a few minutes, hopefully. So, let me first introduce. What I want to do is I want to have a brief introduction about the topic, the subject that we are about to start, and then we'll jump into some preliminary mathematics that we already know, vectors ke bare mein mainly baat karenge, and then we'll add tensors to it and we'll build that knowledge. Okay. The course is very mathematical. Okay. Mirza saab ne aur Safa ne already FEM ne jo course liya tha uske andar there was a flavor about of this. Okay. Already tha. So we'll build on this. Hopefully we'll by spending like 14-15 weeks on this subject we'll have the फंडामेंटल जो हमारे टूल्स होते हैं मैथमेटिकल टूल्स टू डील विद सब्जेक्ट्स लाइक सॉलिड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वो हम बिल्ड कर लेंगे इंशाल्लाह राइट तो द कोर्स आउटलाइन एज हैज़ बीन अप्रूव्ड बैकग्राउंड में कुछ थोड़ी बहुत नॉइजेज आप लोगों को कभी कभार फील होंगे देर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन मेरे घर में ऊपर तो होपफुली इट विल not be too much right so hamari course outline jo hogi we'll start with the basic introduction jo hum aaj kar lenge then we'll move on to vectors and tensors we'll talk about tensor analysis we'll talk about stresses we'll talk about kinematics we'll talk about kinematics of deformable bodies we'll talk about constitutive equations so elasticity we'll talk about we'll see some other hopefully we'll have time to talk about other material models like viscoelasticity and hyperelasticity maybe elastoplasticity depending on the time we'll see how many we can do and if we at the end we have time we'll talk about curvilinear coordinate systems so how to deal with curvilinear coordinate systems right the course itself is going to be all maths okay so this is a foundation course and जहाँ से मैंने मास्टर्स के तक के फील्ड में अब तो मैकेनिक्स के एरिया के लोगों के लिए कंपलसरी है पहले कंपलसरी फॉर एवरीबडी चाहे वो थर्मोफ्लुइड्स में आप स्पेशलाइज कर रहे हो या मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज कर रहे हो किसी भी फील्ड में लग रहे होते थे दिस कोर्स वाज टॉट एज अ कोर कोर्स बिकॉज दिस कैन बी थॉट ऑफ एज मतलब कि जो आपको मेन मैथमेटिकल टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं एडवांस लेवल पे चीज़ों को समझने के लिए उनमें काम करने के लिए पेपर्स रीड करने के लिए फॉर एग्जांपल वो आपको इस कोर्स से मिलेंगे ठीक है हमारी ग्रेडिंग स्कीम जो होगी दैट विल बी क्विज़ असाइनमेंट्स अगर कोई टर्म पेपर हुआ तो दैट विल बी 25% मिड टर्म एग्जाम इस दफा इंशाल्लाह विल बी एबल टू कंडक्ट दैट विल बी 25% एंड फाइनल एग्जाम दैट विल बी 50% ग्रेडिंग स्कीम विल बी एब्सोल्यूट एंड दिस इज मेनली बिकॉज हमारा जो सिस्टम है जो इम्प्लीमेंटेड है वो 20 से ऊपर की क्लास को तो वी आर एबल टू हैव रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम बट बिलो दैट वी कांट तो ग्रेडिंग सिस्टम विल बी एब्सोल्यूट तो प्लीज नोट दिस पॉइंट एट द स्टार्ट हम लोग कंटिन्यू मैकेनिक्स की ऑल्दो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड यूज माय ओन नोट्स टू टीच तो ज़्यादा आई वुड क्योंकि मैथमेटिकल कोर्स में बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड स्लाइड्स लेके नहीं आऊँगा बिकॉज दैट कैन गो वेरी वेरी फास्ट और एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है तो आई वुड स्पेंड टाइम राइटिंग थिंग्स इन रियल टाइम ताकि थोड़ी सी पेस भी स्लो हो जाती है और वो अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल चीज़ों की जब आप सामने लिख रहे होते हैं तो इम्प्रूव होती होती है सो वील टेक इट लाइक दिस बट देर आर सर्टन बुक्स जिनको आप रेफर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मतलब डिवेलप योर अंडरस्टैंडिंग फर्दर जो दो बुक्स आई प्लान ऑन यूजिंग ऑल्दो इनमें नोटेशंस में फ़र्क आएगा और इनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ सारे टॉपिक्स जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ उसके अंदर उसी सीक्वेंस में ना हो बट दीज आर द टू बुक्स दैट यू शुड हैव विद यू दोनों किताबें एलएमएस के ऊपर मैंने डाल दी हैं सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ अवेलेबल हैं एट द वेरी टॉप सो यू शुड बी एबल टू डाउनलोड देम एंड यूज देम सेकेंड वाली बुक जो है इसकी पीडीएफ साइज 20 MB से बड़ा था हमारी एलएमएस पे रिस्ट्रिक्शन है 20 MB से बड़ी नहीं डाल सकती तो मैंने उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके डाला है तो इमेजेस आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी बट इफ यू वांट यू कैन जस्ट सर्च ऑन लाइब्रेरी जेनेसिस और सम प्लेस एंड यू कैन डाउनलोड इट ठीक है जी
इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो फॉर्मली इफ यू वांट टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स, देयर वुड बी, जैसे हमने पहले बोला कि फंडामेंटल कोर्स है हमारा मैकेनिक्स के एरिया का, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ जाती है और सॉलिड मैकेनिक्स भी आ जाती है, ठीक है? एंड द कोर्स इज मेनली देयर टू डेवलप योर मैथमेटिकल फाउंडेशन, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग विद सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, ठीक है? द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट रिलेट टू दिस सब्जेक्ट, तो हम the very broad range of questions. So for example, we can talk about an airplane which is flying, it has a lot of passengers on board, it is flying, and we want to see and we want to find out what's the strain on the wings of the airplane, and what would happen if the wind conditions change and things like this. So that this is, these are the types of problems that we can answer. एक और क्वेश्चन जो हो सकता है दैट वुड बी के इफ आई वांट, इफ आई एम डिजाइनिंग अ सस्पेंशन ब्रिज, हाउ थिक द केबल्स नीड टू बी इन ऑर्डर टू सपोर्ट द ब्रिज एंड द व्हीकल्स दैट विल बी पासिंग ओवर इट. वी कुड टॉक अबाउट हीट ट्रांसफर, सो फॉर एग्जांपल हाउ डज हीट फ्लो इनसाइड अ न्यूक्लियर रिएक्टर, एंड इफ इट डज सिंस देयर टेम्परेचर्स कैन वेरी ड्रास्टिकली, सर ज्यादा इनसाइड दे सकते हैं, देन what would be the thermal stresses developing in the different parts of that system. How can you design a building that can withstand earthquakes, for example. So very very broad, we'll not directly target these things, right? Hamara purpose is for ye nahi hai ki hum in questions ko aa sake, hamara purpose wo tools develop karna hai with which you can later on develop each of these areas further, right? अभी सारे सवालों में हो क्या रहा है, दे डील विद डिफॉर्मेशन इन बॉडीज, दे डील विद काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, दे टॉक अबाउट और दे डील विद फ्लूइड फ्लो, देयर इज, देयर आर फोर्सेस इन्वॉल्वड, देयर इज एनर्जी इन्वॉल्वड, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, राइट? इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडीज कैन ऑल्सो प्ले अ पार्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सिंपल एग्जाम्पल वुड बी दैट if a bat hits a ball, there is a lot of mechanics going on in that contact. So usme energy transfer ho rahi hai, momentum transfer ho raha hai, dono cheezon mein deformation bhi hogi, and because the materials are different, ek cheez mein deformation kam hogi, ek mein deformation bahut zyada hogi, right? And wo deformation recoverable hai ki nahi hai, अगर आप एक नॉर्मल फोर्स से बॉल को हिट करते हैं, इट इज़ रिकवरेबल, द बॉल कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, बट इफ यू हिट इट विद इनफ फोर्स इट कैन शैटर, राइट? तो इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट बॉडीज इज देयर. वन थिंग विच इज नॉट रिटन हियर एंड इट इज देयर, इट इज द इफेक्ट ऑफ द मटीरियल, और द मटीरियल बिहेवियर इज वेरी क्रूशियल इन ऑल ऑफ दीज. तो आपका मटीरियल किस तरह रिस्पॉन्स कर रहा है, वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करेगा, और डिफॉर्मेशन को भी अफेक्ट करेगा, मोशन को भी करेगा, फ्लूइड फ्लो को भी करेगा, एनर्जी ट्रांसफर को भी करेगा, ठीक है? तो ऑल ऑफ दिस विल बी अफेक्टेड. इन दिस कोर्स विल टॉक नॉट अबाउट दिस क्वेश्चन, विल टॉक अबाउट द मैथमेटिकल मॉडल्स विच डिस्क्राइब ऑल ऑफ दिस सिस्टम्स, ठीक? तो पहले फंडामेंटल मैथमेटिक्स आएगी, और उसके बाद हमारे डिफरेंट टाइप के मॉडल्स आ जाएंगे, एंड विल टॉक एंड विल सी इन टुडेस लेक्चर कि हम किस टाइप की चीज़ों को डिस्कस करेंगे अपने कंटेनर मैकेनिक्स के कोर्स में. ऑलराइट, तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कोर्स से रिलेटेड. वी कैन स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 1 विच इज ऑन वेक्टर्स एंड टेंसर्स. एंड अगर उससे पहले इफ देयर इज एनी थिंग दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, वी कैन टॉक अबाउट इट, अदरवाइज वी कैन प्रोसीड. ओके, तो लेट्स एंड दिस थिंग, एंड हम ये करते हैं आपके अपने यूनिट 1 में आ जाते हैं. तो इन यूनिट 1 अब चैप्टर्स की जगह मैं क्योंकि नोट्स से चल रहे हैं, तो डिफरेंट यूनिट्स, ठीक है? एक काइनेमेटिक्स का यूनिट आ जाएगा, हो सकता है स्ट्रेस स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएं, कॉन्स्टिट्यूटिव मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ें आ जाएं, राइट? तो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन. अब इस पर्टिकुलर यूनिट में बहुत सारी चीज़ें रिपेटिटिव होंगी जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको वेक्टर्स के बारे में पता है, आपको उनके ऑपरेशंस पता है, बट इन ऑर्डर टू रिवाइज देम एंड फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन विल गो ओवर देम वंस,
एंड बेसिकली फॉर्मली उन चीजों को किस तरह लिखना है, विल डेवलप दैट. तो बिफोर वी गेट इनटू कंटिन्यूम मैकेनिक्स, लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूम फिजिक्स. कंटिन्यूम फिजिक्स डील्स विद बॉडीज विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूम. अब कंटिन्यूम क्या होता है, दिस मैटर्स, एवरीथिंग कैन बी कंसिडर्ड टू बी नॉट अ कंटिन्यूम इफ यू जूम इन इनफ. ठीक है ना, तो अगर आप किसी भी चीज में जूम इन करते जाएंगे, यू विल फाइंड दैट इट्स नॉट अ कंटिन्यूम, इट्स एक्चुअली डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच आर प्लेस टुगेदर, देयर डिफरेंट फेजेस विच आर प्रेजेंट, तो देयर आर देयर बाउंड्रीज बिटवीन दोज फेजेस. तो अ कंटिन्यूम इज समथिंग दैट एट द लेवल दैट वी वॉन्ट टू स्टडी, एट दैट पर्टिकुलर लेवल आपकी बॉडी को हम एक में किसी भी चीज को हम कंटिन्यूस उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ, डेंसिटी डज नॉट नीड टू बी सेम थ्रू आउट. फॉर एग्जाम्पल दिस बॉल, इट कैन चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बट देर शुड बी सम कंटिन्यूस फंक्शंस विच कैन डिस्क्राइब द डेंसिटीज डेंसिटी वेरिएशन विद इन दिस डोमेन और दिस डोमेन और दिस डोमेन, राइट. सो एक तो बॉडी की बात होगी, और जैसे हमने डेंसिटी की बात की, तो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वान्टिटीज दैट डिस्क्राइब the different aspects of these bodies, and the physical quantities can be described by continuous functions. There should be a function functions written here as well, which I missed. Take a continuous function to describe them. So this is what continuum physics is. Ab continuum physics mein na do main areas, ek mechanics ka area aur ek transport ka area. Transport ka area humne nahi discuss karna, we'll talk about mechanics only, and in mechanics we'll talk about solids mainly. Theek hai, mainly solids ko discuss karenge. Fluids ka कुछ फ्लेवर आ सकता है, बट मेनली द कोर्स डील विद द मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पीशीज की बात करें या ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट की बात करें, दिस इज नॉट अ कंसर्न टू अस राइट नाउ. सही हो गया. मैकेनिक्स के अंदर भी सॉलिड मैकेनिक्स भी हो सकती है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी हो सकती है, राइट. And for example, आपकी solid mechanics, this thing can behave like a solid, this thing will behave like a solid. और ये जो fluid है, red fluid है अंदर इस bottle के, this will behave, of course this is a fluid, so it will have a completely different behavior than these two. अब solids के अंदर भी we have two different behaviors. So for example, हमारे पास solids के अंदर we can have a rigid body behavior and we can have a deformable body behavior. Or again, this is all dependent on the type of system and the type of loading you are discussing. Nothing is rigid, right? It just depends on the load that you're applying on it. For example, this I-beam can be considered to be rigid in most design applications, right? अगर आपकी deformation बहुत ही कम हो रही है, few millimeters की deformation हो रही है इसके अंदर, और this thing itself is a couple of meters long, then the deformation is very very small as when we compare it with the size of the body. So we can ignore that deformation, right? And we can say that the body is acting rigid, right? But apply enough load on this thing and we will find that this thing is actually deformable. Sahi na? So deformable and rigid body mechanics are not dependent on just the system that we are studying, but these also depend on the type of loadings that we are discussing. So for example, if you have this American football, this is a lot more deformable than this. Theek hai na, to this under normal loads with a hand you might be able to compress it, right, and you'll be able to change its shape. If you kick it, it will deform significantly when you kick it, right? It will come back into its original shape, but it will initially deform, right? And so अगर हम लोग एक लोडिंग की, सिंपल लोडिंग की बात कर रहे हैं, एक ऐसी लोडिंग की जो कि ह्यूमन खुद अप्लाई कर सकता है, then probably this thing would be a deformable body and this would be a rigid body, right? Fluids are deformable, right? Fluids cannot be considered to be rigid. तो fluids हमेशा deformable होंगे, right? And तो हमने ये सारी चीजों को देखना है. अब let's come to continuum mechanics, and in continuum mechanics specifically
let's talk about what we are not going to do, right? So the question that I want to discuss right now is what continuum mechanics is not. Mostly what I would do is I would have these blank slides and I would write. Scheme hogi hamare course ki. So consider any body. So we'll consider a body, right? So this is a body. This body consists of many particles, right? There are a lot of particles, infinite number of particles, in fact, and which can be labeled with some index I. So for example, this particular particle is the ith particle, right? And there are particles everywhere. So agar mujhe is puri body ka mass nikalna hai, right? What we can do, agar mujhe iska mass nikalna hai puri body ka, to the mass, so let's say this is body B, right? Mass of this body, how would I calculate it? Agar mujhe apne particles pata hai aur har particle ka mass pata hai, then the mass of this body is simply I. So it would be basically the summation of the mass of all the particles, right? So agar main sare apne particles ke upar sum kar dun, then I can find out the total mass of the body. That's one way to do it. What about the force due to gravity on this body? How will we deal with it? Aap kisi ko bhi ji kisi ne hand raise kiya hai to you may ask please. So go ahead, Ms. Safa, kuch kehna cha rahi hai? सर आप वो पीछे जो डिफॉर्मेशन और रिजिड बिहेवियर के बारे में बता रहे थे कि मेनली हमारे फोर्सेस पे भी डिपेंड कर रही होती है सर, तो ये हमारे मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड कर रही होगी? जी जी, हमने ये बात की थी, हमने कहा कि वो बॉडी पे डिपेंड कर रही है, तो बॉडी पे डिपेंड कर रही है उसका मतलब है मेनली उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रही है एंड देन लोडिंग पे भी डिपेंड कर रही है, राइट? तो द सेम बॉडी मे बी कंसिडर्ड रिजिड एंड डिफॉर्मेबल डिपेंडिंग ऑन द लोडिंग कंडीशन दैट वी हैव, सही है? राइट. अच्छा, अब इस चीज की अगर मुझे ग्रेविटी की बात करनी है तो व्हाट वुड बी द टोटल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस? अगेन, अगर मुझे मास पता है हर पार्टिकल का, तो हर पार्टिकल पे जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी दैट वुड बी स्मॉल एम आई जी, राइट? तो इफ आई जस्ट हैव एम आई एंड आई हैव जी, ठीक है, अब दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर को हम आगे जाके फॉर्मली बता देंगे कि हम अंडर बार या ओवर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंड आई सम ओवर आई दिस फोर्सेस आई कैन फाइंड आउट the force due to gravity, right? But the problem with this is this is not easy. This is a very difficult task because aap har particle ka mass kaise nikalenge aur how will you find out how many particles are actually there in your body, right? And the information that we will get is will be too much, right? This is too much information. हमें हर individual level के particle की details हर वक्त नहीं चाहिए होती. That's the basic idea. That's the point which actually encourages us to talk about continuums. क्योंकि there are cases जिसमें आपको particle level की information भी चाहिए होती, right? But there are other cases in which we just need to talk about the macro level, the bigger picture of the bigger behavior, bigger picture behavior, yani macro scale pe hamare scale ke upar cheez ka kya behavior hai, we just want to know that. In that case, dealing with particles directly is very very difficult and it is too much information. We don't need this much information, right? To dusri approach kya ho sakti hai is cheez ki dusri approach ye ho sakti hai के विल टॉक अबाउट द सेम बॉडी, तो विल टॉक अबाउट द सेम टाइप ऑफ बॉडी, बट इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग द पार्टिकल्स विल स्टिल से दैट हम अपनी बॉडी को डिनोट कर रहे हैं बाय बी, ठीक है, स्क्रिप्ट बी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, बट वी
mathematically it is inconvenient to talk about a body. How would you actually describe a body mathematically? You can't. तो आप जिस चीज को एक्चुअली डिस्क्राइब कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि वो थ्री डायमेंशन के अंदर किस स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट? तो अगर आप उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दें, वो स्पेस बता दें जो कि वो बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है? दैट मेक्स मोर मैथमेटिकल सेंस देन टॉकिंग अबाउट अ बॉडी इटसेल्फ, राइट? इफ आई से आई हैव अ बॉल, आई कांट डू एनीथिंग मैथमेटिकली विद दैट. आई नीड टू डिफाइन कि ये बॉल का सेंटर किधर है, उसका डायमीटर क्या है, एंड विद सर्टेन अजम्पशंस आई कैन से ओके, आई कैन कंसीडर दिस बॉल टू बी अ परफेक्ट स्फीयर, आई नो द सेंटर ऑफ दिस बॉल, आई नो द डायमीटर ऑफ दिस बॉल, नाउ आई कैन मैथमेटिकली डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द बॉल, राइट? तो वी इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉडी इटसेल्फ, वी नीड टू नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द रीजन occupied by the body. And we denote this normally, जो convention है उसको हम capital omega से represent कर देते हैं, ठीक है? But how do you define something in three-dimensional space? किसी भी चीज को three-dimensional space में define करने के लिए what is the first thing needed? Think about it. आपको एक एक्सेस सिस्टम चाहिए, राइट? तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू एड एन एक्सेस सिस्टम, राइट? और अभी हम इस एक्सेस सिस्टम को थोड़ा सा इनफॉर्मल लेके चलेंगे, एंड देन वील टॉक अबाउट दिस आज ही के दिन इंशाल्लाह, वील टॉक अबाउट दिस फर्दर. तो वील कॉल दिस X1, X2 एंड X3. There are certain properties of this axis system which we'll talk about. ठीक है, अभी हमने इसकी बात करनी है, ठीक है? अब इस axis system के साथ रहते हुए we can now define the body and the space occupied by the body, right? तो omega हम इसमें define कर सकते हैं, right? ये थोड़ी सी abusive notation है x1, x2, x3. This should not be like this. X1, x2, x3 normally use होते हैं to define coordinates. Axis के labels जो unit vectors हैं, they are usually different. And we'll talk about this in a bit, ठीक है? अब अगर हमने space define कर दी, ये three dimensional space है, right? तो हमारी जो three dimensional space है, उसको normally represent किया जाता है R3 से. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हम हमारी जो so we'll say note that के जो हमारा डोमेन है, इट्स अ सबसेट, दिस इज सबसेट सिंबल, सबसेट ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्पेस. थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर एक लोकेशन है जो कि हमारी बॉडी ऑक्यूपाई कर रही है, राइट? दिस इज कुछ बेसिक हमारी नोटेशन है जो हम ग्रेजुअली ना अपने टॉक्स में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, एंड वील कीप ऑन यूजिंग देम लेटर ऑन सर, ठीक हो गया? तो एक तो ये चीज हो गया, अब हम अपनी अप्रोच डेवलप करने की कोशिश करें, राइट? ये बात हो गई. उसके बाद अगर हम आगे चले, एंड वी स्टार्ट सेइंग के इस बॉडी में एक पॉइंट पी भी है, अगेन जस्ट लाइक सेइंग के बॉडी को रिप्रेजेंट करने के बजाय इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी ओमेगा. सिमिलरली पॉइंट पी को आप मैथमेटिकली डिनोट नहीं कर सकते, तो मैथमेटिकली टॉकिंग अबाउट पी does not make sense. Instead, what we should do is we should define, अब again, जिस तरीके से आप volume define कर रहे थे एक body का, point की क्या चीज define होगी? Point के coordinates define होंगे, right? तो instead we define the coordinates of the point.
right? And there could be x1, x2, and x3. अगेन ये अब्यूसिव नोटेशन है, यहाँ पे थोड़ी सी हाईलाइट भी होनी शुरू होगी, हमने एक्सिस सिस्टम को भी वही नाम दिया हुआ है और हमने अपने कोऑर्डिनेट्स को भी वही सिंबल्स यूज किया। अब एक्सिस जो हमें पता है कि किसी भी पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हो, उन कोऑर्डिनेट्स को यूज करके आई कैन ऑल्सो डेवलप द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो इंस्टेड ऑफ द कोऑर्डिनेट्स वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट पोजिशन वेक्टर्स, ठीक है, और अ पोजिशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कहां से होता है? इट इज फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज अप टू द पॉइंट, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट दिस, वेयर x इज इक्वल्स टू, वेक्टर को नॉर्मली हम एक सिंगल कॉलम से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो वी कुड टॉक अबाउट दिस। सो दिस इज अवर पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब ये अपनी इस ये हमने जो पूरी बात की है ना, ये सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि हमने कहा था कि हम मास को और ग्रेविटेशन फोर्स को समेशन ओवर पार्टिकल से डिफाइन कर रहे हैं, वी कैन डू समथिंग एल्स नाउ, एंड फॉर दैट वी नीडेड टू डिफाइन दिस ओमेगा व्हिच इज द डोमेन व्हिच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अवर बॉडी, एंड वी नीडेड अ वे टू डिफाइन इन ईच एंड ईच इंडिविजुअल पार्टिकल, ठीक है। तो उसके लिए हमने अपना पोजिशन वेक्टर एक्स बार यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर यूजिंग द सेम नॉलेज इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन माई मास, तो हमने क्या बात की है कि वी हैव अवर एक्स वन, वी हैव एक्स टू, वी हैव एक्स थ्री, वी हैव अ बॉडी जो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ओमेगा, देयर इज अ पॉइंट हियर, द पॉइंट इज पी, एंड द वेक्टर पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज एक्स बार, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं मास कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ अपनी बॉडी का, what I want to do is I want to define the mass using some continuous function. Mass ka continuous function kya ho sakta hai? Kaun sa wo continuous function hai jo kisi volume ke andar mass ko define kar sakta hai, mass ke distribution ko define kar sakta hai? Let's think about it. So we need some property which deals with mass and relates it to volume. That would be density, right? So density, right? So we have the density, and the density does not need to be constant. So density would be a function of our position vector. So हमें ये बातें सारी पता हैं, but हम उसको formally लिख रहे हैं बस actually. So density can change from point to point, ठीक है? और what we want to now do is we want to integrate this thing. It will be a volume integral. And it should be integrated over the entire body. So it can make sense dimensionally as well. तो हमारे पास density के unit होते हैं, for example kg per meter cube. अगर dimensions कहेंगे तो mass per volume है, and this differential volume is in meter cube. So we will end up with kg on the other side as well, right? So this thing is our differential volume. Right. This is our mass density, and we'll specifically call it mass density because density energy ki bhi ho sakti hai, strain energy density bhi hoti hai. Hum log we talked about this in the FEA course as well. So strain ki energy ki density ho sakti hai, aapki momentum ki density bhi ho sakti hai. You can define density. Density is mainly just something defined per unit volume, right? So we're specifically talking about mass density. This the jo condition isme ye hai ki this density function is integrable. Integrable ka matlab ye hota hai ki bounded function hona chahiye, infinite nahi hona chahiye kahin pe bhi aapki value ko. Agar to hum jo baat kar rahe hain, ye wahi baat kar rahe hain ki this function is a continuous function of position. ठीक है ना? अब सेम चीज हम कर सकते हैं जो हमने दूसरी चीज देखी थी, विच वॉज द ग्रेविटेशन फोर्स, एंड आई वॉन्ट टू
think about this. So if we need a vector here and we want to define the same thing, so ab isi tarike se hame continuous function se gravitational force define karna cha rahe hain. Last time we did it like this. So now we would change it. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि हमारी ग्रेविटी की क्या डायरेक्शन है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड वी नीड अ फोर्स विच विल बी इन द सेम डायरेक्शन इज ग्रेविटी, राइट. हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स में दो क्वांटिटीज होती हैं, एक मास होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होती है. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन आ रही है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से आ रही है, राइट. तो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दिस वुड ऑल्सो बी एन इंटीग्रल and we're still integrating density but we are now multiplying it with gravity as well and we are taking the let me write it better x than lagega so we are doing something like this theek hai na ab to ye hamari basic idea ye hai ki instead of talking about what is going on at very small scales and talking about how the individual atoms, individual particles, individual phases are behaving, we are treating our system using functions which are continuous within the domain. So integrable function hone chahiye, sahi hai na. Again ye sirf ek density ki humne baat ki thi, we can talk about momentum as well, we can talk about energy as well, we will talk about strain energy and these type of things later on. Lekin abhi just an small example ke hum log kya nahi kar rahe aur kya kar rahe. ठीक है, ये वाली बात हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंटिन्यू मैकेनिक्स. सो इंग्रेडिएंट्स मैंने अभी लिख दिए हैं, वी विल जस्ट टॉक अबाउट देम अ लिटिल बिट. तीन चीजें हैं हमारे पास, काइनेमेटिक्स है, बैलेंस लॉज है, कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज. वी नीड टू टॉक अबाउट ईच ऑफ देम. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स में पहले जब हम वेक्टर्स और टेंसर से फारिग होते हैं तो विल मूव ऑन टू काइनेमेटिक्स एंड वंस वी आर डन विद दैट विल टॉक अबाउट बैलेंस लॉज. Then we'll talk about constitutive laws as well. ठीक है, तो let's see कि ये होते क्या हैं. Kinematics is basically this deals with motion. Right? And again, it could be rigid body motion or deformable body motion. ठीक है, there are some other aspects to it. There are कि आपका आप मोशन को जो स्टडी कर रहे हैं वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हैं, आप क्या लैग्रांजियन तरीके से स्टडी कर रहे हैं यानी बॉडी के साथ स्टडी कर रहे हैं या फिर आप ऑयलेरियन तरीके से स्टडी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट चेंज द कलर हियर. तो फॉर एग्जांपल क्या मैं ये करूँ कि मैं यहाँ पे छोटी सी विंडो बना लूँ एंड आई जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट दिस स्मॉल विंडो एंड फ्लूइड इस विंडो में एंटर हो रहा है, स्लॉश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस. या फिर मैं इस पूरे फ्लूइड को एक साथ एनालाइज कर रहा हूँ एंड आई सी आई फॉलो द फ्लूइड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग दिस विंडो. बोथ आर अप्रोचेज आर देयर. ठीक है, नॉर्मली सॉलिड मैकेनिक्स में हम लैग्रांजियन अप्रोच यूज करते हैं विच इज कि हम अपने डोमेन को फॉलो कर रहे होते हैं. और फ्लूइड्स के अंदर वी टॉक अबाउट द आयलेरियन अप्रोच विच मीन्स कि हम लोग स्पेस पे फोकस करते हैं किसी एंड द फ्लूइड कैन कम एंड गो विद इन दैट स्पेस. ठीक है, उस विंडो पे फोकस कर रहे होते हैं हम लोग. ठीक, तो ये हमारी काइनेमेटिक्स की बात होगी. उसके बाद वी टॉक अबाउट बैलेंस लॉज. बैलेंस लॉज क्या क्या हो सकते हैं आपके पास, क्या चीजें हैं जो कि कंजर्व हो रही होती हैं. वी हैव मास विच इज बीइंग कंजर्व. अगेन लेट मी जस्ट स्विच द कलर ब्लैक. So we'll talk about the balance of mass. We'll talk about the balance of momentum. इसके अंदर आपके पास translational और rotational दोनों momentums आ जाएंगे. ठीक हो गया. इसके साथ आपके पास एनर्जी भी होगी. तो ऑल ऑफ दीज आर बैलेंस, हैव टू बी बैलेंस, राइट. आपका मास कंजर्व होना चाहिए, आपका मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए, आपकी एनर्जी भी कंजर्व होना चाहिए. तो वंस दैट्स देयर, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज आ गए. कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज क्या है? कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज आर बेसिकली दे डिस्क्राइब
the relationship between different variables within your domain. For example, stress और strain के बीच में कोई relationship होगी, वो law कौन सा law है जो कि stress और strain को relate कर रहा है, या एक simple spring के लिए वो law कौन सा law है जो कि spring की displacement को spring की reaction force से relate कर रहा है, ठीक है? तो for example it could be material constant material behavior इसमें हम study करेंगे, ठीक है? तो for example elasticity an example है कि this is a constitutive law. Elastoplasticity is another law. ठीक है, constitutive behavior यानी कि वो material की constitution को देखते हुए कुछ variables के interaction को बता रहा है कि how is one changing the other. Let's move away from solid mechanics. Let's talk about heat transfer. तो आपके पास heat flux और temperature gradient के बीच में कोई ना कोई relationship होगी. एक simple relationship में पता है, वो आपको भी पता होगी. Fourier law जो है आपका heat conduction का, that is there, right? That's a constitutive behavior, constitutive law. Any system that obeys that, उसके हमें model पता है कि उसको किस तरीके से temperature gradient को आपने heat flux के साथ relate करना, right? So that's there. अच्छा जी, we now need to talk, switch and basic continuum mechanics की जो बात है वो तो हो गई, and then we'll talk about mainly we'll switch to vectors now. ठीक है, उससे पहले हमने एक्सियम्स की कुछ बात करनी है, एंड उन एक्सियम्स के लिए क्योंकि हमारे पास एक मिनट से भी कम का टाइम रह गया, तो व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू इज रीजॉइन, क्योंकि हमारे ये सेशन 40 मिनट्स का होता है, तो वी विल हैव टू रीजॉइन अगेन. आई एम थिंकिंग ऑफ स्विचिंग टू गूगल मीट, बट उसके कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्रॉब्लम उसको ओवरकम अगर हम कर लेते हैं तो विल स्विच देयर, उसमें फिर बार बार रिकनेक्ट नहीं करना पड़ेगा. बट राइट नाउ प्लीज सेम लिंक सेम वे आपने रिज्वाइन करना है. आई विल स्टार्ट द मीटिंग अगेन. थैंक यू. सर एक चीज पूछनी थी. जी. ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज है उसमें हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे प्रॉपर्टी को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है इन कंटिन्यूम मैकेनिक. जी ठीक. स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर है ना. जी सर बिल्कुल. तो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व बन रहा है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर. तो जी जी बोले. जी सर, जैसे कि अभी आपने ये जो हीट फ्लक्स वाले एग्जांपल देते हैं इसमें जैसे हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर किस तरह से वेरी कर रहा है, टेम्परेचर प्रेशर का आपस में रिलेशन, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन. वो एक्चुअली कुछ और है, वो तो आपका वो गैस लॉज है ना, वो तो कि आपके जी सर गैस के अंदर वो दैट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर. कॉन्स्टिट्यूटिव बिहेवियर को इस तरीके से देखें कि आपके पास आपने फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड मैकेनिक्स की टर्म्स में देखना है, आपके पास एक फोर्सिंग टर्म है, ठीक है, और एक आपके पास चीज है जो उसके रिजल्ट में चेंज हो रही है. तो फॉर एग्जाम्पल समझ गए सर, जैसे कि स्ट्रेस स्ट्रेन आपने बताया, स्ट्रेस स्ट्रेन है, या फिर आप अगर करंट वोल्टेज की रिलेशनशिप देखेंगी तो आपके पास जो फोर्सिंग टर्म है उसमें वोल्टेज है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वोल्टेज करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. तो जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटिव लॉ वहाँ पे गवर्न कर रहा है उस चीज को, स्टेट दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर. तो इसमें आर इटसेल्फ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर सिस्टम, ठीक है, आपके सिस्टम जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, राइट. सेम थिंग आपके पास हीट कंडक्शन में भी है. तो आप जब टेम्परेचर ग्रेडियंट देते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू योर वोल्टेज देयर, ठीक है, कि आप एक उसको पोटेंशियल दे रहे हैं कि वो हीट उस सिस्टम में फ्लो कर सके, एंड करंट का जो उधर इक्विवेलेंट आ रहा है दैट इज योर हीट फ्लक्स, ठीक है, और रेजिस्टेंस
का इनवर्स का इक्विवेलेंट जो है दैट इज कंडक्टिविटी. ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्सिंग टर्म है एंड उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ और चीज जनरेट हो रही है. तो फॉर आपके स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए आपके पास स्ट्रेन इज एक्चुअली द फोर्सिंग टर्म. ठीक है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी चीज में, उसके रिजल्ट में बॉडी डिफॉर्म होती है, डिफॉर्म होती है यानी कि उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है. उस स्ट्रेन की वजह से बॉडी रिजिस्ट, स्ट्रेन को बॉडी रिजिस्ट करने की कोशिश करती है और वो जो रेजिस्टेंस है दैट इज योर स्ट्रेस. तो आपकी बॉडी में जैसे ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा आपकी बॉडी एक स्ट्रेस डेवलप करेगी ताकि फर्दर डिफॉर्मेशन को स्टॉप कर सकें और जो करंट डिफॉर्मेशन है उसको रिकवर कर सकें. ठीक है, तो वो लॉज जो कि इन रिलेशनशिप्स को गवर्न करें दो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूटिव लॉज. ठीक है, एवरीबॉडी इज हियर, तो लेट्स मूव. हमने अब जो बात करनी है कि हमारे पास एक्सियम्स क्या हैं. एक्सियम्स वो चीज़ें होती हैं जो कि एट द स्टार्ट वी अज्यूम टू बी ट्रू. ठीक है, जिनको हम आप स्टार्ट में कहते हैं कि ये तो है एंड वेन एवर वी वर्क विल कंसिडर दीज थिंग्स टू बी ट्रू. ठीक है, तो हमारे कंटेंट मैकेनिक्स में कुछ एक्सियम्स हैं जो कि कुछ फंडामेंटल हैं, वो हर जगह अप्लाई होते हैं और कुछ कंटेंट मैकेनिक्स के स्पेसिफिक हम डिसाइड करेंगे चीज़ें वो. तो फॉर एग्जाम्पल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, आपके जो न्यूटन्स लॉज हैं वो विल कंसिडर देम टू बी एप्लीकेबल हियर. ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशंस भी एप्लीकेबल होंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब हमारे पास अब जो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ हैं विल कंसिडर देम टू बी ऑलवेज एप्लीकेबल. दीज आर जस्ट अंडरस्टूड टू बी ट्रू, दैट्स व्हाई इट्स एन एक्सियम. ठीक है, उसके बाद वी हैव सम एक्सियम्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू अवर सब्जेक्ट कंटिन्यूम मैकेनिक्स. पहला जो है वो ये है कि अ कंटिन्यूम रिमेन्स अ कंटिन्यूम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना मर्जी डिफॉर्म उसको कर लें, कंटिन्यूम कंटिन्यूम ही रहेगा. ठीक है, दैट डज नॉट मीन कि चीज फ्रैक्चर नहीं हो सकती. चीज फ्रैक्चर हो सकती है, ऑल्दो आई डोंट नो वेदर वी विल हैव टाइम टू टॉक अबाउट फ्रैक्चर, बट फ्रैक्चर इज जस्ट समथिंग कि एक नया आपका एक्सटीरियर सर्फेस इंट्रोड्यूस हो गया चीज के अंदर, बट आपका डोमेन की शेप चेंज हो गई है, बट जो डोमेन आपका बाकी बचा है वो स्टिल एक कंटिन्यूम के ट्रेट हो. ठीक है, वट एवर डोमेन इज लेफ्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस दैट डोमेन विल स्टिल बी अ कंटिन्यूम. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, अगर आपकी चीज कंटिन्यूम नहीं रहती डिफॉर्मेशन के बाद या फिर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेज, देन आवर एंटायर मैथमेटिक्स दैट वी विल डेवलप इन दिस कोर्स विल नॉट बी एप्लीकेबल. ठीक हो गया, आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विल बी डिफाइंड एवरीवेयर इन द बॉडी. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट अपने डोमेन के अंदर कहीं पे भी हम चाहें वहाँ पे स्ट्रेन भी निकल सकता है, स्ट्रेस भी निकल सकता है. यानी कि ये इनको फील्ड वेरिएबल्स कहते हैं. तो स्ट्रेस की पूरी फील्ड जनरेट होगी. फील्ड वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि आपके पोजिशन वैक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं. जैसे डेंसिटी आपकी पोजिशन वैक्टर पर डिपेंड है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर फील्ड वेरिएबल्स जो कि आपके हर पोजीशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू होगी एंड दीज कैन बी डिफाइंड ऑन द एंटायर डोमेन. सही हो गया. अब ये एक सिंप्लीफाइंग हमारी पॉइंट है. इससे हम ये कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रेन या स्ट्रेन रेट है उसका फंक्शन होगा. ठीक है, स्ट्रेन रेट की टर्म कंप्लीटनेस के लिए डालिए. और जिन लोगों ने मटेरियल साइंस को डिटेल में पढ़ा हुआ है दे हैव एन आइडिया कि दिस इज ट्रू. अब आप लेकिन जो यहाँ पे सिंप्लीफाइंग पॉइंट है वो क्या है, वो पॉइंट ये है कि आई डोंट नीड टू, अगर किसी भी पॉइंट का स्ट्रेस मुझे चाहिए आई डोंट नीड टू कंसर्न किसी और पॉइंट के ऊपर क्या स्ट्रेन. आई जस्ट नीड टू नो कि मेरे पॉइंट के ऊपर क्या स्ट्रेन. ठीक है, अगर मुझे उस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन पता है तो उस पॉइंट का स्ट्रेस मैं निकाल सकता. ठीक, और स्ट्रेन रेट का रोल कैसे आ रहा है यहाँ पे, वी नो कि आप जैसे जैसे स्ट्रेन रेट चेंज कर रहे होते हैं आपका जो भी आपके मटेरियल का रिस्पांस है वो चेंज हो रहा होता है. तो फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं कि अगर आप एक क्वाजी स्टैटिक टेंसाइल टेस्ट कर रहे हैं जिसमें आप स्ट्रेस और स्ट्रेन को प्लॉट कर रहे हैं, क्वाजी स्टैटिक का मतलब ये वेरी वेरी स्लो, देन योर बिहेवियर माइट लुक लाइक दिस. बट इफ आई डू द एग्जैक्ट सेम थिंग एट अ वेरी फास्ट स्ट्रेन रेट माई बिहेवियर माइट लुक लाइक दिस एंड माई बॉडी माइट फ्रैक्चर अर्लियर. ठीक है, तो स्ट्रेन रेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक, ये जो तीसरे वाले पॉइंट है दैट्स एक्चुअली समथिंग विच हेल्प्स अस इन सिंप्लीफाइंग द मैथमेटिक्स दैट वी विल डील विद.
नॉर्मली जो जितनी क्वांटम मैकेनिक्स की मैथमेटिक्स डेवलप हुई है वो इस एजम्पशन के साथ डेवलप हुई है, ठीक है ना। अब यहां तक हो गई हमारी ये वाली बात, ठीक है जी। अब हमने मूव करना है टू अ रिविजन ऑफ वैक्टर्स। अगेन इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सारी चीजें आपको आती हैं, पता है आपको। द ओनली थिंग वुड बी द मैथमेटिकल नोटेशन विल चेंज। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सरजिया ने और मिस सफा ने पढ़ी हुई हैं पिछले एफएमए कोर्स में, बट वो हमने बहुत क्विकली उनको बहुत छोटा सा ओवरव्यू लिया था। अब इस उन चीजों में थोड़ा ज्यादा बार बार उनको रिपीट करेंगे, थिंग्स विल डेवलप फर्दर। सो पहली जो चीज है विच वी नीड टू आंसर इज व्हाई डू वी नीड वेक्टर्स। दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड। वेक्टर्स का क्या फायदा होता है, ऐसी क्या खास बात है कि हमें सिंपल नंबर्स से काम नहीं चल रहा हमारा, वी नीडेड सम एडिशनल थिंग, व्हाट वाज दैट एडिशनल थिंग, दैट्स अ क्वेश्चन व्हिच वी शुड ऑल हैव। सर दो चीज़ों के बारे में पता चलता है ना, डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है हमें, मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है वेक्टर्स से। बिल्कुल ठीक है, तो आपके पास हर वो क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको वेक्टर्स की नीड होगी, राइट। तो दिस इज इन रियलिटी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, जो पूरी instead we should say this is an important part of the language of quantum mechanics. So this is a very important part of the language of quantum mechanics. इसके बगैर हम चीजों की complete information दे नहीं सकते, ठीक है। Example क्या हो सकती है इसकी, इसकी examples हो सकती हैं forces, ठीक है। तो we can have forces here, we can have momentum, ठीक है, we can have velocity, displacement, acceleration, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो there is a lot in mechanics which requires the knowledge of directions, ठीक है। तो for all of that we need vectors, ठीक है। अब हमने अपने जो कोर्स के अंदर कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस यूज करने होंगे, जाहिर है वी हैव टू स्टैंडर्डाइज अ फ्यू थिंग्स। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज मतलब कंपलसरी, दिस इज जस्ट अ नोटेशन व्हिच वी आर अडॉप्टिंग, एंड दैट इज कि वी विल डिनोट वेक्टर्स बाय Latin alphabets. ठीक हो गया जी। और so basically what we will say is कि हमारे पास U, V, W, all of these are vectors. But we need to describe something more. जैसे हमने पीछे अपने domain को बताया था ना कि our domain is actually सबसेट ऑफ द थ्री डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। आपके वेक्टर्स भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करेंगे, बट वेक्टर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, राइट। अब आई डोंट नो वेदर आप लोगों में से किसी ने वेक्टर स्पेसेस वगैरह पढ़ी हैं, बट नॉर्मली हम वेक्टर्स को डायरेक्टली अपने थ्री डायमेंशनल स्पेस का पार्ट नहीं बोलते, वी से कि दीज वेक्टर्स आर बिलोंग टू, द सिंपल इज फॉर बिलोंग्स टू a space of 3D vectors, for example. So this I can we can refer to it as E. Some people refer to it as script V. We are using E. This thing here is space of 3D vectors. Why not just write this thing? Why not we just say कि आपके सारे vectors जो हैं 3D space को belong करते हैं? Because there are certain operations which we need to define on the vectors. So, for example, vectors can add together, vectors can be multiplied together, vectors scalar se multiply ho sakte hain, right? Vector ki addition commutative hoti hai, right? Vectors
दो वेक्टर्स जो ऐड हो रहे हैं वो अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे तो दैट्स इट, उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है. देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वैक्टर्स फॉलो. वो जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं अप्लाई होंगी. तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक डोमेन है वो भी थ्री डायमेंशनल चीज है, उसके ऊपर नहीं अप्लाई होंगी. तो ये जो आपने स्पेस यहाँ पे डिफाइन की है ई, दिस स्पेस कंटेन्स ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स जो वेक्टर के लॉस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं. ठीक है, अगेन मैथमेटिकल नोटेशन है, ये सिम्बोलॉजी हमें आनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन थिंग्स यू विल फाइंड के आपको पेपर्स रीड करने में मेनी टाइम्स यू विल फाइंड दीज कॉमन सिंबल्स दैट यू विल नीड टू रीड. ठीक हो गया जी. अब तो हम लोग कह रहे हैं कि हमारे सारे वेक्टर्स जो हैं एक स्पेस ई को बिलोंग करते हैं, विच इज जस्ट अ सबसेट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस. स्केलर्स के लिए तो विल डिनोट अवर स्केलर्स by Greek alphabets. Alpha, beta, gamma. And what do these belong? Think about it. Just a real number. Just a real number. So this belong to just the set of all real numbers, right? So, ठीक है ना जी. तो ये वाली चीज हो गई. अब व्हाट कैन वी डू विद दीज वेक्टर्स. तो वेक्टर्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं अगर उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन वाइज देखा जाए. दो बेसिक प्रॉपर्टीज. तो अगर हम पहले देखें कि मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. ठीक है, यू कैन नॉट ऐड ए स्केलर टू अ वेक्टर. वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं हो सकता. ठीक है, वेक्टर से स्केलर मल्टीप्लाई हो सकता है. ठीक है, तो अब अगर मैं इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली लिखना चाहूँ ना, तो अगेन ऑब्जेक्टिव हमारी ये है कि हम थोड़ी सी फॉर्मल चीजें लिखने की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अगर मैं इस चीज को फॉर्मली लिखना चाह रहा हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू से कि इफ आई हैव अ वेक्टर यू बिलोंगिंग टू ई एंड alpha belonging to R, then there exists a vector V belonging to the same space of vectors such that V is equals to alpha times U. ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ थी, हमने उसको थोड़ा सा फॉर्मल करके लिख दिया. ये कोई ऐसी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है विच शुड बी न्यू टू एनीबॉडी हियर. ठीक है, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, एक नया वेक्टर जनरेट हो जाता है, दैट्स इट. ठीक है, आप दूसरी जो चीज़ है जो कि हमें देखनी है वो क्या है, दैट इज वेक्टर एडिशन. तो अगेन ऑब्जेक्टिव इसमें ये नहीं है कि वेक्टर एडिशन कैसे होती है, ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर मैं इस चीज को फॉर्मली लिखना चाहूंगा तो मैं इसको कैसे लिखूं. तो इफ यू एंड वी बिलोंग टू अ स्पेस ई, द स्पेस ई ऑफ 3D वेक्टर्स, देन देयर एग्जिस्ट्स ए वेक्टर W belonging to the same space such that W is equals to U plus V. ठीक है ना. अब अगेन कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट हमने थोड़ा सा फॉर्मली एक स्टेटमेंट लिख दी है कि वेक्टर एडिशन को किस तरीके से मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे. ठीक है, अब वेक्टर्स तो हमारे पास आ गए. ठीक, अब इनमें इन दोनों के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आइडेंटिटी और नल एलिमेंट्स भी होंगे. आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ये होता है कि अगर मैं उस चीज से के साथ ऑपरेशन करूं, आई गेट द एग्जैक्ट सेम थिंग बैक. तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन वुड बी वन. तो इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई वन विद अ वेक्टर, आई वुड गेट द सेम वेक्टर बैक. और अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट देखूं वेक्टर एडिशन का, तो इट वुड बी अ नल वेक्टर. तो अगर मैं यू वेक्टर में एक नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर है, इट्स नॉट द नंबर जीरो. तो ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, इसका
एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों जीरो है, ठीक है, बट स्टिल अफेक्टिव, ठीक हो गया. एंड आई वुड गेट बैक द यू वेक्टर विद दिस, ठीक है. अब अगर मैं नल एलिमेंट की बात करूं विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, नल एलिमेंट ये होता है कि इफ आई परफॉर्म द ऑपरेशन विद दिस एलिमेंट आई वुड गेट अ जीरो क्वांटिटी, यानी जीरो वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर पे ऑपरेशन कर रहे हैं, मेरे पास जीरो वेक्टर रिजल्टेंट आ जाएगा. तो अगर मैं यू वेक्टर को किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास जीरो वेक्टर आएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड विद नंबर जीरो. अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा आई वुड गेट अ जीरो वेक्टर. मैं क्या ऐड करूं इस वेक्टर में कि मेरे पास जीरो वेक्टर आ जाए, क्या ऐड करेंगे, इसी का माइनस के साथ, मैं यू में से यू को माइनस कर दूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट द सेम थिंग, राइट. कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी एग्जैक्टली, नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा, ये उसी का नेगेटिव वेक्टर. तो वेक्टर का इन नेगेटिव ही उसका नल एलिमेंट होता है, राइट. एंड आइडेंटिटी इज जस्ट अ जीरो वेक्टर, सही है ना, वेक्टर एडिशन. अगेन बिल्कुल फंडामेंटल सी चीजें, कोई खास हम लोग इसमें नई नॉलेज नहीं ऐड कर रहे, इट्स जस्ट अ बेसिक रिवीजन और कुछ मैथमेटिकल नोटेशन और इस टाइप की चीजें डेवलप हो रही है कुछ. लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, लेट्स टॉक अबाउट द डॉट प्रोडक्ट. तो हमारे पास अगर हम डॉट प्रोडक्ट को लें, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, इसको हम इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक. तो अब हमें फॉर्मली लिखना है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, जिससे हम फॉर्मली लिखते हुए आ रहे हैं ना उस तरीके से लिखना. सो वी हैव U and V belonging to the space E, ठीक है, और मैं वो पूरा नहीं लिखा, then there exists an alpha belonging to R, so I'll just say कि I also have alpha belonging to this real space, real number space, right? Then this relationship is true, U dot V equals to alpha, ठीक है. दो वेक्टर्स का ऑपरेशन हो रहा है, रिजल्टेंट स्केलर आ रहा है. इस ऑपरेशन को हम अगर मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं ना, कि एक स्पेस की टर्म्स में डिफाइन करें, स्पेस की टर्म्स में इस तरीके से डिफाइन हो रहा है, क्या हम बोलते हैं कि समथिंग फ्रॉम द स्पेस ई इज बीइंग, दिस इज नॉट मल्टीप्लाइड, दिस इज जस्ट अ सिंबल के दो चीजें आपस में कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है. सेट ई के किसी एलिमेंट का ऑपरेशन हो रहा है सेट ई के एक और एलिमेंट के साथ, and the result is a real number, and this thing is known as mapped to, theek hai, to mapped to. So agar hum isko define karna chahenge dot product ko, we'll say ke ek 3d vector, ek 3d vector se operation kar raha hai, and the result is being mapped to a different set which is the set of real numbers, theek hai. To jo result nikal ke aayega wo aapka aapke vectors ki space mein nahi hoga, wo real numbers ki space mein hoga, theek hai, to udhar se nikal ke aa raha hai, ठीक है. तो उसमें अगेन नथिंग देयर दैट इज न्यू, हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं डॉट प्रोडक्ट से तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आ रही होती है, ठीक. कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें स्केलर प्रोडक्ट की, लेट्स मी टॉक, सी हमारे पास एक स्लाइड डॉट प्रोडक्ट की और है, तो आई हैव स्पेस, मैंने कुछ स्लाइड ऐसे प्लान की हुई है अपने हेडिंग साल, जस्ट नीड टू फिट एवरीथिंग देयर, ओके. अगर हम प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाएं डॉट प्रोडक्ट की, तो थिंक अबाउट व्हाट वी नो अबाउट डॉट प्रोडक्ट्स, कि क्या क्या चीजें ट्रू हो सकती हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में. डॉट प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी शुड थिंक अबाउट, व्हेन विल इट बी जीरो. सो सारे वेक्टर्स इक्वल होंगे आपस में, वन ऑफ देम इज अ जीरो वेक्टर, और सारे वेक्टर इक्वल तो नहीं होंगे, ये होगा कि आप दिस थिंग इज जीरो और ये वेक्टर नहीं है, स्केलर जीरो, राइट, बिकॉज हम रियल नंबर पे मैप कर रहे हैं. दिस थिंग इज ट्रू इफ वन ऑफ द फॉलोइंग थिंग, थ्री थिंग्स इज ट्रू, यू इज जीरो और वी इज जीरो, और तीसरी क्या चीज हो सकती है जो कि इस पर ट्रू करेगी, U is perpendicular to B, right? अगर U और B आपस में perpendicular होंगे
तब भी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, है ना. जो हमारे पास हम एक बेसिक सी डेफिनेशन इसके जो तरीके का पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से डॉट प्रोडक्ट का, कि डॉट प्रोडक्ट को अगर हम स्केलर्स की फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, तो वी डिफाइन इट एज यू डॉट वी इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन यू एंड वी. ठीक है ना. और मैंने थीटा से ड्रॉ किया है, बट इट डजंट रियली मैटर. आप थीटा किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस थीटा. जस्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉस, इट डजंट रियली मैटर कि आप किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक थीटा को मेजर कर, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, इट्स इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट. ठीक, ओके जी. तो ये हमें पता है चीज, राइट. और जब ये एंगल 90 डिग्रीज हो जाएगा तो cos 90 विल बिकम जीरो एंड देयरफॉर यू डॉट वी विल गिव मी ए जीरो. ये तो पहली प्रॉपर्टी है कि यू डॉट वी कब जीरो होता है. सेकेंड जो चीज हमने देखनी है वो ये है इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव क्या होता है? Order of the, yes sir, definitely. So if we just do this, it's exact same thing, doesn't really matter. ठीक है. तो dot products is a compute commutative operation. ठीक है. Dot product is very very useful. ठीक है. बहुत ज़्यादा extensively use होता है. तो अगर हम अभी एक simple सा vector ले लें, for example, let's talk about our u, and let's take a vector e. ठीक है. तो if e is a unit vector, ठीक है, unit vector का मतलब यह है कि उसका magnitude 1 है, right? Then u dot e would be what? Would be the magnitude of u multiplied by the magnitude of e multiplies by cos of theta, जो इनके बीच में जो भी एंगल आ रहा है. Since e का magnitude 1 है, तो we get it like this. ठीक है. और from our basic trigonometry we know कि ये साइड जो होती है ये cosine से निकलेगी ना, एंगल के साथ वाली साइड है, right? तो if I have a unit vector in any direction, the dot product can help me find what? It can help me find the projection of the vector in the desired direction. जो भी direction मुझे पता होगा उस direction में उसकी projection को calculate निकाल सकता हूँ. That is an advantage. और ये बहुत useful चीज़ होती है. कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक फोर्स अप्लाई हो रही है और आपके पास एक सिलेंडर सा मेंबर है, ठीक है, और वी वांट टू सी कि कितनी फोर्स उस मेंबर के अलोंग अप्लाई हो रही है, कितनी फोर्स उसके परपेंडिकुलर अप्लाई हो रही है, देन अ डॉट प्रोडक्ट कैन गिव मी द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग दैट मेंबर. ओके, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन से आई कैन फाइंड आउट द अदर कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू इट. ठीक है. ये तो हम स्टैटिक्स के कोर्स में अंडरग्रेड के बच्चों को वी डू दिस, राइट. तो ये हम लोगों के लिए कोई नई चीज नहीं है. ठीक हो गया. तो बिल्कुल फंडामेंटल सी डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली. डॉट प्रोडक्ट में विल कम बैक अगेन एंड विल अपडेट अवर नोटेशन. तो अभी हम लोग बिल्कुल वेक्टर्स की तरह में बात कर रहे हैं. विल टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन वी इंट्रोड्यूस द इंडेक्स नोटेशन, द इंडिशियल नोटेशन, राइट. अगेन, आप में से जो लोग पहली दफा इस टाइप की चीजें पढ़ रहे हैं उनके लिए वो नोटेशन डिफरेंट होगी. सर जया मिस सफा ने वो चीज थोड़ी सी पिछली दफा भी देखी हुई है, राइट. तो विल रिविजिट दिस. But before we do that, what I want to do is I want to talk about the cross product. Abhi 7:07 ho gaye. Mere khayal se chhoti si break le lete hain taaki maghrib pad li jaye, theek hai. And I think after 10 minutes inshallah we can join back. To right, to aisa kar le,
क्योंकि अब मगरिब काफ़ी देर हो गई हुए एंड वी हैव नॉट प्रेड, ठीक है? तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज ज्वाइन बैक इन 10 मिनट्स. तो अभी मेरे पास 7:07 हो रहे हैं, तो 7:16-17 तक लेट्स ज्वाइन बैक एंड वंस वी डू दैट विल टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट अगेन, समथिंग विच वी ऑलरेडी नो बट विल रिवाइज. ठीक है जी, तो आई एम एंडिंग दिस सेशन. मैं फिर 7:15 के बाद में सेशन को दोबारा रिक्रिएट कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा. ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू. तो हमने अभी डॉट प्रोडक्ट की बात की, राइट? तो नेचुरली द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज द क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को फॉर्मली लिख रहा हूँ तो आई नीड 3 वेक्टर्स, राइट? क्योंकि 2 वेक्टर्स का ऑपरेशन से तीसरा वेक्टर जनरेट हो रहा है. Then I would say ke, we need to take 3 vectors, let's say u, v, w, all of them belong to a vector space E, and the following operation is correct, and this defines the cross product. And when I say u cross v, I get a third vector, which is w, or agar main iski mapping define karna chah raha hu, to we say that something from the space E is having a mathematical operation with something else from the same space, and the result is being mapped to the result is being mapped to the same space E. theek hai, ab ye wala jo hamare paas symbol hai, this is not the cross product, although hum bol rahe hain is baat ko, but yahan pe likh bhi dete hain taaki baad mein ye cheez confuse nahi kare. This is just showing that there are two objects from these two spaces and they are having some mathematical operation together. ठीक है, तो this is the cross product and this is not the cross product. और क्योंकि हमने यही same cross पीछे भी use किया था when we were talking about the dot product as well. तो this does not represent the cross product itself. अच्छा जी, ये बात हो गई. अब जिस तरीके से हमने उसकी कुछ properties की बात की, जिसकी भी कर सकते हैं, तो we can find out when our cross product is going to be zero. So u cross v, for example, will give me a zero vector now if one of the following three things is true: either u is zero, or v is zero, or u is now parallel to v. ठीक है, this is these are the three things jiske result mein aapka cross product zero ho jayega. So equivalent properties hi dekh rahe hain jaise humne uske liye baat ki thi. Dusri cheez jo humne dekhi thi dot product ki, which was the commutative property. U cross v is not equals to v cross u. That's not true. What is true is u cross v is equals to minus v cross u, and this is so called anti commutative property. ठीक है, ये वाली बात हो गई. अब हमने डॉट प्रोडक्ट के लिए एक काम ये किया था, हमने उसको एक यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देखा था, एंड वी वांटेड टू सी व्हाट इज द रिजल्ट, राइट? अब उससे पहले हमने एक बात ये भी की थी कि हमने इसका सिंपल स्केलर्स की फॉर्म में मैथमेटिकल फॉर्मूला निकाला था डॉट प्रोडक्ट का. वी सेड कि अ डॉट प्रोडक्ट कैन बी वेयर वाज इट यप वी सेड अ डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वी टाइम्स कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, राइट? दिस वाज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हमें राइट साइड पे किसी किस्म की डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी. बट इन केस ऑफ अ क्रॉस प्रोडक्ट, इफ यू वांट टू डिफाइन समथिंग सिमिलर, तो अवर यू क्रॉस वी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वी, एंड दिस टाइम्स साइन ऑफ थीटा. So this is a scalar quantity, इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आ रही.
तो इन ऑर्डर टू डिफाइन द डायरेक्शन वी हैव अ यूनिट वेक्टर ई हियर. ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा. यूनिट वेक्टर किस हाउ इज दिस ओरिएंटेड इन 3D स्पेस. ठीक है, तो अवर वेक्टर ई इज ए यूनिट वेक्टर. ठीक है, जो हम अभी बात कर रहे हैं, एंड ई इज परपेंडिकुलर टू यू एंड वी. तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, यू और वी, देन द डायरेक्शन ऑफ ई कैन बी फाउंड फ्रॉम द राइट हैंड रूल. तो अगर आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करेंगे फ्रॉम यू टूवर्ड्स वी, so that would be this direction. This will give me theta. So now theta direction is important. So theta is directed from the first vector towards the second vector. ठीक है जी. तो आपके u cross v से अगर मैं करने के लिए u से लेके v की तरफ अपनी right hand के fingers को direct करूँगा, then my thumb is pointing towards e. ठीक है. And this is perpendicular to both of them. So there is a 90 degree angle here. There is also a 90 degree angle here. सही हो गया? अच्छा, आप geometry के sense में आपका जो magnitude है इसका u cross v का जो magnitude है, which is u, ये एक किसी चीज के area को define करता है. Think about it. This is the area of the parallelogram defined by the vectors. Okay, so this is just something. Okay. ये हमारी दिस इज सम फंडामेंटल थिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, हमने इसको फॉर्मली डिफाइन कर लिया कि वेक्टर स्पेस ई से वेक्टर स्पेस वी का ऑपरेशन हो रहा है एंड द रिजल्ट आल्सो बिलोंग्स टू द सेम वेक्टर स्पेस. हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्रॉस प्रोडक्ट कब जीरो होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से आती है. तो अगर मैं सेम चीज की एग्जाम्पल के लिए लेट्स टॉक अबाउट कि मेरे पास this is my u vector and this is my v vector. Let's make it like this. Then this angle is like this. So agar main apne right hand ke fingers ko u se v ki taraf curl karunga, mujhe apna haath ulta karna padega actually, right? So you can visualize it on your own. Then your thumb is actually pointing downwards. So this is the direction of e. Theek hai, to the direction of the angle measurement is crucial in vector product but not important in the dot product, because इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो साइन थीटा होता है दैट्स एक्चुअली इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस थीटा. ठीक है, तो आपके पास डायरेक्शन एक्चुअली चेंज हो जाती है. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट की बात हमने कर ली, डॉट प्रोडक्ट की हमने बात कर ली. आई सेड अर्लियर में शुरू में एक बात की थी कि हमने अपना एक्सिस सिस्टम ड्रॉ किया है, हमने उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री लिया हुआ है. हमने कहा था दैट वॉज एन अब्यूज ऑफ नोटेशन बिकॉज वी डिड नॉट एट दैट पॉइंट डिफाइन आवर बेसिस फंक्शन. ठीक है, तो हमें वैक्टर की बेसिस डिफाइन करनी पड़ती है. बेसिस वैक्टर्स आर अ सेट ऑफ फैक्टर्स जो कि आपकी नोन स्पेस के अंदर टू डायमेंशनल स्पेस है उसके अंदर दो होंगे, थ्री डायमेंशनल स्पेस में तीन होंगे, जो कि एक दूसरे से एक सर्टन ऑर्डर के तहत अलाइंड होते हैं, राइट? और इनकी हेल्प से वी कैन डिफाइन अदर वेक्टर्स. ठीक है, क्या तो लेट्स टॉक अबाउट देम. तो इसको अगर मैं फॉर्मली लिख रहा हूँ कि हमारे जो बेसिस वेक्टर्स होंगे, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, तो दैट स्टेटमेंट वुड बी दैट बेसिस वेक्टर आर एन ऑर्थोनॉर्मल ट्रायड ऑफ वेक्टर्स that are right-handed.
and this right-handedness is a choice. Okay, it does not affect our physics. You can select a right-handed axis system, you can select a left-handed axis system. Certain things would change, signs would change in some equations, but at the end of the day, the results that we obtain using right-handed axis system and the left-handed axis system physically will be the same thing. This is a choice, because in order to have consistency throughout the book and in between different texts, the general consensus is that you use right-handed axis system. Okay, so right-handed axis system, kis tarike se draw hoga hamare paas? Hamare paas teen axes honge, right? So we have E1. तो अब हम इसको E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं X की जगह, तो दिस E शोज यूनिट वेक्टर्स. हमने इसीलिए E पीछे भी यूनिट वेक्टर्स के लिए यूज किया था, बिकॉज हम इसको अपने बेसिस के लिए नॉर्मली यूज करते हैं. थ्री हमारे पास बेसिस हैं E1, E2, E3, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, XYZ की रिप्लेसमेंट से बेसिकली ये. अब राइट हैंडेडनेस इनकी कैसे शो हो रही है, अगर हम ग्राफिकली देखें तो अगर मैं E1 से लेके E2 की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, यानी कि इस तरीके से अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब E3 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, राइट? तो अगर मैं E2 से लेके E3 की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब जो है E1 को पॉइंट कर रहा होगा. और सिमिलरली अगर मैं E3 से लेके E1 की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा, तो मेरा थंब E2 को पॉइंट कर रहा होगा. तो दिस इज व्हाट राइट हैंडेडनेस मीन्स, बट हम इसको मैथमेटिकली भी अभी डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली क्या इसका क्या मतलब है. देर अदर थिंग्स एज वेल, देर टू प्रॉपर्टीज दैट वी एक्चुअली सेट. एक हमने बोला है कि ऑर्थोनॉर्मल है ये, और दूसरी जो हमने बात की है कि ये राइट हैंडेड है. ठीक है, तो ये दोनों चीजों को वी हैव टू डिफाइन कि व्हाट दीज आर. सही है. अब हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया किस तरह करते हैं, तो यहाँ पे हम इनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वी एक्सप्रेस them as a set of vectors defined as ei, where I is the index. So I could be 1, 2, or 3, and I is the index. Sahi ho gaya ji? To e1, e2, e3. So agar two dimensional space hai, to it will only be 1 and 2. Three dimensional space hai, to 1, 2, and 3. दो प्रॉपर्टीज की हमने बात की. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एंड दोज टू प्रॉपर्टीज, द फर्स्ट ऑफ दोज आर ऑर्थोनॉर्मैलिटी. व्हाट डज दैट मीन? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स वन थिंग. ठीक है, दैट शोज कि इनका जो है वो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ऑर्थोनॉर्मैलिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो दे हैव टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and their magnitude needs to be one. ठीक है, सबका normalized है. ठीक है, magnitude सबका one होगा, यानी तीनों basis का magnitude one है, और basis vector का, और they are all three are perpendicular to each other. तो all the angles here are actually 90 degrees. सही है ना? अब इसको हम थोड़ा सा mathematically actually we can define, और यहाँ पे कुछ notations आएंगी जो कि आप में से कुछ के लिए नहीं होंगी. तो लेट मी जस्ट डेवलप इट फर्स्ट. तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें बिटवीन द बेसिस, तो अगर मैं ये बोलूं कि आई वांट टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E1 एंड E2, तो व्हाट वुड बी द रिजल्ट, क्या होगा रिजल्ट इसका? डिफरेंट है, 90 डिग्रीज में है दोनों. E3 ये तो हमारे पास ये वाली चीज थी ना, जीरो. When the two vectors are perpendicular to each other, then it will be zero, right? Similarly, आपके पास E2, E1, आप ऑर्डर चेंज कर दें. हमें पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो इट डजंट रियली मैटर E1 E2 है कि E2 E1 है, सेम चीज आएगी. तो लेट्स टॉक अबाउट E2 एंड E3, ये भी जीरो होगा. E1 एंड E3, ये भी जीरो होगा. E1.E1 क्या होगा? वन होगा, बिकॉज वी नो के अगर हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड है E1 का मैग्नीट्यूड,
मल्टीप्लाइड बाई ई वन का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय द कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, सेम वेक्टर के बीच में एंगल इज जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन, तो द रिजल्ट इज वन. सिमिलरली E2.2 is 1, similarly E3.3 is 1. This is orthonormality. ठीक है कि ये जो zeros निकल के आ रहे हैं ये show कर रहे हैं कि आपके तीनों bases एक दूसरे के perpendicular हैं. ठीक है और अगर आप किसी भी vector का dot product उसके साथ ले लेते हैं that is actually just a square of the magnitude. ठीक है अब मैं एक छोटा सा वेक्टर यहाँ पे लिखता हूँ, जस्ट इन साइड एग्जांपल के मेरे पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, हम उस बेसिस में लिख रहे हैं जिससे वी आर फेमिलियर विद इट. तो इफ दिस इज वेक्टर ए देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, एंड इसका अगर बल्कि यहीं पर इसका स्क्वायर जो है वो क्या होगा, विल जस्ट रिमूव दिस, एंड दिस इज actually the same thing as a dot a. a dot a would be I से I component multiply होगा, y से y component, z से z component. This is how we take the dot product and this is just the square of the magnitude. तो अगर किसी भी vector का उससे आपने dot product लिया and the result comes out as 1, इसका मतलब इसका magnitude 1 है. ठीक है तो these six statements that we have written here they show orthonormality. अब इन conditions को we can merge together into a single condition. ठीक है और उसके लिए हमें एक नया सिंबल डिफाइन करना पड़ता है जिसको सर जया और मिस सफा को तो मैंने लास्ट टाइम बताया था. होपफुली यू कैन आंसर दिस के व्हाट कुड दिस कम आउट टू बी, कि हमारे पास जब डिफरेंट हो तो जीरो आए और जब सेम हो तो वन आए. द सिंबल दैट is there is called this delta ij and this is the Kronecker delta. ठीक है अब if you don't remember this is nothing major, यहाँ पे कुछ में कोई major difficulty नहीं है, बहुत simple सी चीज़ है, बहुत simple rules हैं इसके. वो rules ये हैं कि delta ij is equals to either two values, it will either be zero or one. It will be zero if I is not equals to j and one if I equals to j. That's it. ठीक है तो जब भी आप किसी ऐसी दो बेसिस का डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे जो कि सेम होगी तो I और j दोनों वन है तो रिजल्ट हमारे पास वन है, I और j दोनों टू है तो रिजल्ट वन है, लेकिन जब I वन है और j थ्री है तो रिजल्ट इसका जीरो. तो दिस इज नोन एज द क्रोनेकर डेल्टा और इसकी बहुत एक्सटेंसिव यूज है आगे जाके. तो अभी हमने सिर्फ सिंपल इंट्रोड्यूस किया, अभी हम इसको एक्चुअली वी विल ट्राई टू डेवलप दिस फर्दर, इसको इसके यूज को और बढ़ाएंगे अभी हम. और ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता है हमारे पास आगे जाके. तो दिस इज वन थिंग कि हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा एक सिंगल कंडीशन हमें बता देता है विच शोज द ऑर्थोनॉर्मैलिटी ऑफ द बेसिस वेक्टर्स. हमारे पास तीन जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. इफ दे डू देन दिस सेट ऑफ दिस ट्रायड ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. ठीक है तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मैलिटी की कंडीशन आ गई. सेकेंड जो हमारे पास कंडीशन है दैट इज द राइट हैंडेडनेस. ठीक है ये कैसे डिफाइन होगी, अब इसको डिफाइन करने के लिए वी इसको अभी हम पूरा ना सिंबल्स की फॉर्म में डिफाइन नहीं करेंगे, विल होल्ड इट लिटिल बिट. ठीक है अभी हम क्योंकि अभी वो हमने अभी जो काम हमने करने जा रहे हैं इसको हमें थोड़ा सा और डेवलप करना है कि अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ई क्रॉस जे से मेरे पास के आ रहा है. ठीक है आप This thing is true when I'm following this convention. एक तो इसमें ये चीज़ true होनी चाहिए कि I is not equals to J is not equals to K. तीनों different हैं. ठीक है तो this thing is true when I am working in this order.
तो अगर आई वन है तो जे टू होगा और के थ्री होगा, अगर आई थ्री है तो जे वन है और उसके बाद के टू है, अगर आपके पास आई टू है तो जे थ्री है और के वन है, या फिर आई वन है तो जे टू है और आपके पास के थ्री. दिस ऑर्डर नीड्स टू बी मेंटेन्ड. इफ दिस इज ट्रू देन आपके पास ये कंडीशन ट्रू होती है. दिस मीन्स कि आपके पास ई वन क्रॉस ई टू इज इक्वल टू ई थ्री, ठीक है. एंड जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट की अभी बात की थी उस पर एक्चुअली चीज ट्रू होती है, क्योंकि इफ इफ दिस थिंग इज ई वन दिस इज ई टू, तो हम ई वन से लेके ई टू की तरफ कर्ल करेंगे तो हमारे पास तीसरा वेक्टर जो निकल के आएगा वो यूनिट वेक्टर वो हमारी ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है. दिस इज ई थ्री डायरेक्शन जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है. हमने ऑर्थोनॉर्मेलिटी तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश की हुई है ना, और यहाँ भी हमने ये बात की थी कि ये थीटा हम राइट हैंड से चेक करते हैं, तो थीटा हमारा जो है वो हम राइट हैंड से फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर जा रहे हैं, तो अगर हम ई वन से ई टू की तरफ जाएंगे तो तीसरा वेक्टर जो निकल के आएगा वो ई थ्री की डायरेक्शन शो कर रहा होगा, ठीक है. अब दिस इज वॉट इज बेसिकली मेंट बाय राइट हैंडेडनेस. सिमिलरली एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मैं ई टू से स्टार्ट करूँ तो आई एम स्टार्टिंग दिस इज माई आई then this would be my j and this would be my k, right? So times e3 would give me e1 and we can try to check this thing as well. So agar main e1 e2 e3 draw kar leta hu aur main e2 se you can visualize with your hands, so aapko screen mein aa raha hoga ye. So if you curl your fingers from right hand in the from of the right hand from e2 to e3, the thumb is pointing towards e1, so that is what is shown here. Aur magnitude kya hota hai iska? Magnitude is the first vector times, so sorry, okay, this would be 2 times the magnitude second vector times the angle sine of the angle between them, which is 90 degrees. Sine 90 is 1, so this thing is 1, this thing is 1, this thing is 1, and the direction is perpendicular to both of them. According to right hand rule, it comes out to be e, राइट ई आई की, और ये पूरी चीज वन हो गई, तो ये चीज हमारे पास टू आ रही है. दिस थिंग इज ट्रू, सही है ना. मैग्नीट्यूड इसका वन निकल के आएगा यहाँ के मुकाबले जो हमने बात की है, और जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में चीज पढ़ी थी वो राइट हैंड रूल को सेटिस्फाई कर रही थी, वो चीज भी यहाँ पे सही हो गई. अगर हमारा ऑर्डर चेंज हो जाएगा फिर क्या होगा? तो लेट्स से आई डू समथिंग लाइक दिस, आई डू समथिंग लाइक दिस, देन I would have a minus sign here, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि if I change the order of this thing, तो अगर u से v की तरफ आ रहा हूँ and I am changing मतलब कि u v से clockwise direction में है, then to move from the your fingers from u to v with the right hand, आपको करके देखिए, you will have to turn your hand upside down, तो आपका बेसिस वेक्टर नीचे की तरफ निकल के आ रहा है, डायरेक्शन वेक्टर व्हिच इज ऑपोजिट टू व्हाट वी हैड हियर, ठीक है. तो इफ दिस वाज ई थ्री देन दिस थिंग इज माइनस ई थ्री, सही है ना. तो ये वाली चीज, ये बेसिकली हमारी राइट हैंडेडनेस को शो कर रही है कि ओनली दिस थिंग इज गिविंग यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स, दिस वन इज गिविंग यू नेगेटिव रिजल्ट्स, ठीक. इस चीज में कभी एट एनी पॉइंट इफ यू फील एनी थिंग यू नीड टू आस्क, यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड आस्क, ठीक है. कोई हैंड रेस करके रुकने की जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट आस्क करो. ऑलराइट, अब तो इसकी बात करते हैं कि हम व्हाई डू वी नीड दीज, कि इसका थिंक अबाउट दिस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, के व्हाट वुड बी द यूज ऑफ दीज. इससे हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाइड हो जाती है. बेसिस वेक्टर से आप जिस मेरा आप इसकी बात कर रही है ना कि जो हम जो कि ये इंडेसेस डिफाइन कर रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं. यहाँ ये नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ई वन ई टू ई थ्री. हम ये बेसिस क्यों, हम कोई भी बेसिस क्यों डिफाइन करते हैं? हम एक्सिस सिस्टम क्यों डिफाइन करते हैं? एक्सिस सिस्टम डिफाइन करते हैं थ्री डी स्पेस के अंदर किसी भी चीज को लोकेट करने के लिए, राइट. वो वॉल्यूम भी हो सकता है, वो एक पॉइंट भी हो सकता है, वो एक वेक्टर भी हो सकता है. तो अगर आपके पास कोई भी वेक्टर होगा, उस वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपको कोई ना कोई बेसिस चाहिए, इसीलिए इसको बेसिस कहते हैं. दीज आर एक्चुअली यूज्ड टू डिफाइन अदर वेक्टर्स,
ठीक, तो दीज आर यूज टू डिफाइन अदर वेक्टर्स, ठीक है, एंड इसमें कोई कोई नई बात नहीं है. दिस इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट विच वी हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग. तो हम लोग इवन ई टू ई थ्री की जगह आई जे के यूज कर रहे होते हैं. दे आर द एग्जैक्ट सेम थिंग. दे आर ऑर्थोनॉर्मल राइट हैंडेड बेसिस आपके जो वैक्टर्स हैं, ठीक है, आई जे के इवन ई टू ई थ्री इज एग्जैक्ट सेम. अब हम लोग किसी भी वैक्टर को लेट से कंसिडर ए वैक्टर यू, राइट, विच बिलोंग्स टू अवर स्पेस ई, एंड we can define u as u1 e1 plus u2 e2 plus u3 e3, where what are u1, u2 and u3, what are these vectors? ye nahi, ye to ye wali cheez hai na, to ye components hai na iske. These are the scalars hain, aur jo hamare components हैं of u in e1, e2, e3 directions. Respectively, right? तो इन तीनों के अंदर है, ठीक हो गया. अब इसी चीज को अब हम ना थोड़ी सी अब हम उस तरफ मूव कर रहे हैं कि वी वॉन्ट टू सिंप्लीफाई दिस नाउ. तो एक इसकी सबसे पहली सिंप्लीफिकेशन तो ये हो सकती है, सिंस यहाँ पे एक इंडेक्स चलता हुआ नजर आ रहा है 1 1 2 2 3 3, तो आई कुड राइट दिस थिंग लाइक आई से 1 से लेके 3 तक यू आई ई आई, एंड दिस मेक्स परफेक्ट सेंस. इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो यू वन ई वन प्लस यू टू ई टू प्लस यू थ्री ई थ्री बन जाएगा, ठीक है. तो दिस इज अ सिंपल समेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स आपने कर दिए. तो अब ये वैक्टर कंप्लीटली डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी डिफाइन हो रही है और आपके पास मैग्नीट्यूड भी डिफाइन हो रहा है. तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बेसिस हम ले लेते हैं एंड वी विल पिक अनदर कलर, तो लेट्स से कि हमारे पास दिस मच इज बल्कि थोड़ा सा एलिमेंट को इफ दिस थिंग इज यू वन वन, ठीक है. अब दिस थिंग इज यू टू ई टू, और क्योंकि वेक्टर है तो मुझे ई वन और ई टू लिखना पड़ रहा है, खाली मैग्नीट्यूड नहीं डिफाइन कर रहा, आई एम डिफाइनिंग अ डायरेक्शन. एंड दिस थिंग वुड बी योर यू थ्री ई थ्री. एंड अगर आप इनको हेड टू टेल रूल से जो हमने कंबाइन किया है उसके बाद इनको अगर इनका रिजल्टेंट चेक करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके फाइनल वेक्टर के हेड तक हमें वेक्टर डिफाइन करना पड़ता है, एंड दिस वेक्टर इज अवर वेक्टर यू. तो ये तीनों जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको तीन वेक्टर्स ही डिफाइन कर रहे हैं. यू वन ई वन इज अ वेक्टर, यू टू ई टू इज अ वेक्टर, यू थ्री ई थ्री इज अ वेक्टर. ये क्या वेक्टर्स हैं? ये प्रोजेक्शंस हैं. तो यू वन ई वन इज द प्रोजेक्शन ऑफ यू in the direction of e1, u2 e2 is the projection of u in the direction of e2, and u3 e3 is the projection in the direction of e3. ठीक है, तो इनको projections की तौर पर हमें देखना चाहिए. अब projections normally axis के ऊपर होती हैं, तो it would be better if we actually draw them here and draw them here, right? So these are equal and these are also equal, ठीक है ना. इसको यहां से भी कंप्लीट कर देते हैं कि इसके इक्वल है ये, जो ये भी प्रोजेक्शन आ रही होगी, ये और ये वाली प्रोजेक्शन बराबर, ठीक है. तो आपके तीन प्रोजेक्शन आ रही हैं e1, e2, e3 की डायरेक्शन में, उनको जब आप एड करते हैं, वेक्टर एडिशन इज विद हेड टू टेल रूल, मैथमेटिकली वी कैन राइट देम लाइक दिस कि तीन वेक्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, इन तीनों को हमने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है दैट इज अवर ओरिजिनल वेक्टर. तो तीन सब वेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं. इस क्योंकि ये समेशन है, वी कैन राइट इट एज अ समेशन लाइक दिस. बट अब यहां पे आके विल सिंप्लीफाई फर्दर, ठीक है, एंड विल से के मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी विल बी एबल टू इम्प्लाई कि हम सम कर रहे हैं, तो वी विल नॉट नीड टू राइट दिस थिंग.
तो हम वी विल बी एबल टू राइट इट लाइक सिंपली लाइक दिस. अब ये चीज कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है. दिस इज इम्प्लाइड समेशन, ठीक है. तो दिस इज इसका जो रूल होता है वो ये है कि दिस इज समेशन ओवर रिपीटेड इंडेक्सेस. कभी भी कोई इंडेक्स अगर रिपीट हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे यू आई ई आई हो रहा है, दिस इन रियलिटी डज नॉट मीन कि ये कोई कॉम्प कि ये कोई ये यू आई ई आई इटसेल्फ कोई वेक्टर है. ये इंडेक्स सिर्फ एक प्लेस होल्डर है समेशन के लिए. जिस तरह आप ऊपर इसको आपने पढ़ना किस तरह, जब भी रिपीट हो रहा है इसको आपने पढ़ना इस सम के तरीके से. यू आई ई आई मीन्स कि यू आर समिंग ओवर आई. आई कहां से कहां तक होगा डिपेंड करेगा आपकी डायमेंशन क्या है. अगर आप 3D स्पेस के अंदर है तो इट विल बी 1, 2, 3. अगर आप 2D स्पेस के अंदर है इट विल बी 1 and 2, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड Einstein's notation, ठीक है. एंड दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन वी आर ट्राइंग टू राइट वेरी वेरी लॉन्ग इक्वेशंस. तो एसेंशियली हमने यहां पे इस कंप्लीट चीज को लिखने की बजाय वी जस्ट रोट दिस स्मॉल थिंग एंड वी रीड इट लाइक दिस. एंड इंशाल्लाह अगली क्लास में आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एग्जांपल्स जिनसे विल अभी भी हम एक दो चीजें देखेंगे यहाँ पे. एंड लेटर ऑन विल आई ट्राई टू ब्रिंग मोर एग्जांपल्स दैट will explain this further. Abhi bhi hum will try to explain this. So we'll redo the dot product and the cross product using this notation. Theek hai, to abhi hum wo karke dekhte hain. Acha ji, ye wali baat ho gayi. Aapke paas isi ek basis ke andar jo vectors ke components hote hain na, wo unique hote hain. To agar main for example a basis hai meri e1 e2 e3, इस पर्टिकुलर बेसिस के अंदर किसी भी वेक्टर के, तो अगर वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स अलोंग e1, e2, e3 वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है, ठीक है. तो रिप्रेजेंटेशन जो एक बेसिस के अंदर होती है किसी भी वेक्टर की, वो यूनिक होती है. तो इट कांट चेंज. आप बेसिस चेंज कर ले तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर. तो अगर मैं कोई और बेसिस बना देता हूं, तो इफ आई डिसाइड टू मेक अनदर बेसिस, मैं क्या करता हूं कि मैं एक प्राइम्ड बेसिस बना रहा हूं, तो मैं सिर्फ उस बेसिस को ना सिर्फ रोटेट करा रहा हूं. तो मेरा ये वाला एक्सिस सेम है, तो आई एम कीपिंग दिस सेम. तो दिस इज E3 प्राइम एज वेल, सेम है. बट मैंने E1 E2 को जो है ना थोड़ा थोड़ा रोटेट करा दिया, सेम बाय सेम अमाउंट. तो दिस इज E1 प्राइम एंड दिस इज E2 प्राइम. If I do this, और मैं इस primed basis के अंदर अपने vector को define करूँगा, मेरे components change हो जाएंगे. But अगर मैं अपने original E1, E2, E3 के अंदर define करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर सिर्फ एक ही set of components है जो मेरे vector को define करते हैं. They are not changing, ठीक है, change नहीं हो सकता. अब इस चीज के बारे में let's try to write this mathematically. तो consider the following. We have vector u, और मैं इसको क्या करता हूं, I'll take the dot product of this vector with a basis vector, कुछ भी हो सकता है. This could be e1, this could be e2, this could be e3, anything. ठीक. अब मैं vector u कैसे define करूंगा, मैं vector u इस तरीके से define करूंगा, uieI. But I have to make sure, क्योंकि I index यहाँ पे use हो गया है, I'll need to use something else. जो रिपीटेड इंडेक्स होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड डमी इंडेक्सेस. दे डोंट रियली सिग्निफाई एनीथिंग. देयर इज जस्ट अ प्लेस होल्डर फॉर 1, 2 and 3. तो यू कुड यूज एम हेयर, यू कुड यूज के हेयर, वट एवर यू वॉन्ट. तो रिपीटेड इंडेक्स आप कुछ भी यूज कर सकते. एक सिंपल सा चेक जो आपने मेक श्योर करना है, अगेन दिस विल टॉक अबाउट दिस अगेन एंड अगेन लेटर ऑन एज वेल, कि कोई भी इंडेक्स 2 से ज्यादा दफा आपकी टर्म के अंदर रिपीट नहीं हो सकता. तो दिस कुड नॉट बी जे. If this is J, इसका मतलब है कुछ मसला है. तो आइंस्टीन नोटेशन के अंदर कोई एक इंडेक्स सिर्फ दो दफा रिपीट हो सकता है, और जैसे ही रिपीट होगा इसका मतलब है वो इंडेक्स आपका समेशन को शो कर रहा है, वो इंडेक्स नहीं है. तो इस चीज की क्या डायमेंशन होंगी, थिंक अबाउट दिस. इसका रिजल्ट स्केलर होगा कि वेक्टर होगा.
हमें पता है कि हम इसको डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं दो वेक्टर्स को, तो हमारे पास स्केलर आना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास अगर ये डायमेंशन हमारे पास जो है जे की जगह पे लेट्स से कुछ और होता, तो दिस वुड हैव बीन लेट्स से के, दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, दैट वुड हैव मेस्ड इट अप, ठीक है, चीज सही नहीं, यू वुड नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस, ठीक है। तो हमें इस फेस में क्या करना पड़ेगा, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट किस चीज का आता है, डॉट प्रोडक्ट कैन ओनली टेक प्लेस बिटवीन टू वेक्टर्स। तो हमारे पास ये जो स्केलर क्वांटिटी है, दिस कैन बी टेकन आउटसाइड, यू इज अ कॉम्पोनेंट, इट्स जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो एक्चुअल डॉट प्रोडक्ट हो रहा है वो इन दो चीजों को हो रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, तो यू कैन राइट इट एज जे डॉट आई और आई डॉट जे, डजंट रियली मैटर। ये जो टर्म है ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन की थी, बिकॉज वी हैव एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, e j dot i means something या e i dot j। हमने बात की थी कि हमारे पास जब भी इन दोनों चीजों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, द रिजल्टेंट इज डेल्टा आई जे, विच इज द क्रॉनिक रिजल्ट। अगर i और j सेम होंगे इसका रिजल्ट 1 आएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। तो दिस थिंग इज सिंपली यू जे डेल्टा आई जे। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस का टाइम मिल गया, क्या टाइम अपॉर्चुनिटी क्या मिली हमें, हम इसकी जो समेशन हो रही है, समेशन किस चीज के ऊपर हो रही है, समेशन हो रही है आपकी जे के ऊपर। तो वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दिस एंड वी कैन ट्राई एंड सी कि समेशन को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो हम कैसे एक्सपेंड करें, ठीक है। वी हैव अराउंड 1 मिनट लेफ्ट, सो फॉर अ फाइनल टाइम प्लीज रीजॉइन एंड वी विल कंटिन्यू एंड फिनिश अवर लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू। ऑल राइट, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही के हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉलोइंग द आइंस्टाइन नोटेशन। दिस मीन्स कि इसमें एक रिपीटेड इंडेक्स आ रहा है जे, इसका मतलब ये सम हो रहा है इसके ऊपर। तो इस समेशन को वी कैन ऑलवेज ओपन अप एंड आई विल जस्ट राइट द आंसर ऑफ दिस थिंग हियर कि ये होता क्या है एंड फ्रॉम देयर यू I'll explain to you how that comes up. Whenever आप इसको apply कैसे करेंगे actually? Okay, Gibran has joined, so let him. Okay, yeah, right. तो whenever you see this thing, जो application point of view से ना बहुत simple है, but initially we'll try to prove this thing so that we have an idea. Whenever you get a delta multiplied by a term, the job of the delta is to switch the sign of the term. तो अगर यू जे से डेल्टा आई जे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो इंडेक्स दूसरी टर्म के साथ डेल्टा में सेम है वो इंडेक्स को डेल्टा रिप्लेस करा देगा। तो द आंसर ऑफ दिस थिंग वुड सिंपली बी यू आई। अब ये कैसे आया, वी कैन चेक दैट, बट दिस इज व्हाट इट इज, डेल्टा आई जे क्रॉनिकर्स डेल्टा जस्ट स्विचेस द इंडेक्स ऑफ वन ऑफ द टर्म्स। कोई भी एक टर्म जो आपकी एक्सप्रेशन के अंदर है, जैसे डेल्टा आई जे के साथ मल्टीपल टर्म्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं, उनमें से किसी एक टर्म जो यहाँ पे इंडेक्स रिपीट हो रहा है उसका इंडेक्स स्विच करा देगा। ये एक इंडेक्स रिपीट कोई उसके साथ सेम होगा, दूसरा इंडेक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब ये चीज कैसे प्रूव होगी, ये प्रूव करने के लिए तो लेट्स कंसीडर यू जे डेल्टा आई जे, समेशन इज ओवर जे, तो जे को हमने 1 से भी रिप्लेस करना है, 2 से भी रिप्लेस करना है, 3 से भी रिप्लेस करना है और सारी टर्म्स को एड कराना है। तो द रिजल्ट वुड बी यू वन, आई को हमने कुछ नहीं कर सकते, आई विल स्टे द सेम वे, तो आई वन प्लस यू टू डेल्टा आई टू प्लस यू थ्री डेल्टा आई थ्री, ठीक है। अब what's going to happen here? अब हमारे पास अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है। तो लेट्स से इस क्वेश्चन में ई आई जो था, दिस वॉज एक्चुअली आई वॉज वन, तो मैं यू को डॉट कर रहा था ई वन से। तो इफ आई इज इक्वल टू वन, देन व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव यू वन डेल्टा वन वन प्लस यू टू डेल्टा वन टू प्लस यू थ्री डेल्टा वन थ्री,
डेल्टा की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंडेक्स सेम होगा तो वन होगा, इंडेक्स डिफरेंट होगा तो जीरो होगा. तो दिस थिंग इज वन, दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो. तो दिस रिजल्ट्स इन यू वन. एक और ट्राई कर लेते हैं. इफ आई इज इक्वल्स टू टू, देन व्हाट हैपेंस, वी हैव यू वन डेल्टा वन टू प्लस यू टू डेल्टा टू टू प्लस यू थ्री डेल्टा थ्री थ्री. एंड अगेन सॉरी, दिस थिंग इज जीरो एंड दिस थिंग इज जीरो. तो द रिजल्ट एंड दिस थिंग इज वन. तो रिजल्ट हियर इज यू टू. आई थ्री के केस में द रिजल्ट दैट आई एम गोइंग टू गेट इज यू थ्री विच इज द सेम. तो आई वन है तो यू वन आ रहा है, आई टू है तो यू टू आ रहा है, I3 है तो U3 आ रहा है. दिस मीन्स कि द रिजल्ट आ रहा है दैट्स एक्चुअली UI. ठीक है. अब इस डेल्टा का बहुत फायदा होता है हमारे आगे के मैथमेटिकल डेवलपमेंट में, बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स अस सिंप्लीफाई थिंग्स. तो जैसे डेल्टा आएगा वी विल स्विच द डायमेंशंस. तो हमारे पास सॉरी इंडेक्स. तो अगर IJ आ रहा है, J रिपीट हो रहा है, तो दूसरी टर्म के अंदर जो J है उसको माई से रिप्लेस करा देंगे. दैट्स व्हाट इट इज. अब इसकी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस देखिए. मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मैं कह रहा हूं कि मुझे U को डॉट कर रहा हूं ई आई के साथ. हमने इनिशियली पढ़ा था जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट इज एक्चुअली, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं किसी भी यूनिट वेक्टर के साथ, मुझे उस यूनिट वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन मिलती है. ठीक है. एंड U की प्रोजेक्शन ऑन ई वन इज व्हाट? इट इज यू वन. ई टू के ऊपर जो प्रोजेक्शन है दैट इज यू टू. ई थ्री के ऊपर जो प्रोजेक्शन है दैट इज यू थ्री. तो अगर मैं इसको E1 से डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, आई शुड गेट द प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन E1 विच इज U1. अगर मैं E2 से करूंगा यहां पे U2 आना चाहिए, E3 से करूंगा तो U3 आना चाहिए. दैट इज व्हाट इज कमिंग अप. ठीक है. हमने स्टार्ट किया था यूनिकनेस ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन अ बेसिस. हाउ डज दिस रिलेट? दिस रिलेट्स बिकॉज आप कभी भी किसी वेक्टर का उसके बेसिस के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिक आंसर हियर. तो E1 के साथ हमेशा U1 ही आएगा, E2 के साथ हमेशा U2 ही आएगा. अगर आप बेसिस चेंज कर देंगे, जो हमने प्राइम बेसिस यहां पे लिए, अगर मैं E1 प्राइम के साथ लूंगा, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग एल्स. E2 प्राइम के साथ लूंगा, आई एम गोइंग टू गेट समथिंग एल्स. बट विद इन द सेम बेसिस योर कॉम्पोनेंट्स, योर प्रोजेक्शंस आर गोइंग टू रिमेन द सेम. आप उनको चेंज नहीं कर सकते. तो एक वेक्टर की डेफिनेशन इन वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, वन बेसिस सिस्टम, वो यूनिक होती है. इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड. ठीक है. अब फाइनल मैंने एक छोटी सी चीज इसी की एक्सटेंशन है जो कि हम अभी हमने बात की है, वो ये है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को अपने इस कन्वेंशन के साथ रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हाउ वुड आई बी एबल टू डू. तो अगर हम यू और वी को कंसिडर कर लें belonging to our vector space E, and we are trying to define U dot V. ठीक है. मैं basis हम जो ले रहे हैं same तरह की basis ले रहे हैं, तो E1, E2, E3 basis ले रहे हैं, right? तो U1 को उसके components की form में हम कैसे लिख सकते हैं? We can write it as UI. EI. So this is the complete definition of vector. This is U1, E1 plus U2, E2 plus U3, E3. Similarly, हम V को भी लिख सकते हैं. ख्याल क्या रखना है? Index I use हो चुका है, तो index I दोबारा नहीं use हो सकता. So we have to use something else here. So we'll say VJ, EJ. You can use M, N, whatever you want. ठीक है, different होना चाहिए. Now, what to do? Similar approach, जो हमने पिछली साइड में की थी. हमारे पास इसमें यू आई और वी जे, दीज आर जस्ट स्केलर क्वांटिटीज, तो दे हैव नो पर्पज इन दिस डॉट प्रोडक्ट. तो यू आई और वी जे, दिस कैन बी टेकन आउटसाइड, एंड द थिंग दैट वी आर एक्चुअली कंसर्न अबाउट इज ई आई डॉट ई जे, विच वी नाउ नो वॉट इट इज. वी नो दैट दिस थिंग इज इक्वल्स टू डेल्टा आई जे. We also know whenever delta comes up, its job is to actually change the index of one of the terms in your expression. ठीक है. तो आपके पास
आई जे यहाँ पे आ रहा है, यू आई में आई है, वी में जे है, तो आइदर वी जे विल चेंज टू वी आई और यू आई विल चेंज टू वी यू जे, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये हमने कहा, हाउ डिड वी अराइव एट दिस, वी आर सेइंग कि हम यू आई डेल्टा आई जे को पहले ट्रीट कर रहे हैं और फिर उसको वी जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर हम यू आई को वी जे डेल्टा आई जे इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई डेल्टा आई जे विद यू आई इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया ना, सेम काम किया हुआ है, फिर यू जे डेल्टा आई जे करेंगे तो यू एम गोइंग टू गेट यू आई। सिमिलरली अगर मैं यू आई डेल्टा आई जे करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट यू जे, वी जे डेल्टा आई जे करूंगा तो आई एम गोइंग टू गेट वी आई, जैसे यहाँ पे हमने यू जे वाली टर्म यूज की थी ना, अगर वी की जगह यू की जगह वी हो जाए तो यहाँ पे वी आई आ जाएगा, सेम थिंग इज गोइंग ऑन। तो दिस थिंग इज सिंपली यू जे वी जे और यू आई वी आई। अगेन दीज टू टर्म्स आर एग्जैक्टली सेम बिकॉज आई एंड जे आर डमी इंडेसेस, ठीक है, रिपीटेड इंडेसेस आर डमी, तो इसी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि आई या जे है। आई जे यहाँ पे ये डायरेक्शन आई जे इनको शो नहीं कर रहा, कोई भी बेसिस शो नहीं कर रहा, दिस इज अ रिपीटेड इंडेक्स, तो इट इज सिंपली शोइंग समेशन। तो दोनों की जो एक्सपेंशन बनेगी इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग, इट विल बी सॉरी इट वुड बी यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस यू थ्री वी थ्री, विच वी नो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में अगर आपके पास ये वैक्टर्स हों यू वन ई वन प्लस यू टू ई टू प्लस यू थ्री ई थ्री और वी वन ई वन प्लस वी टू ई टू प्लस वी थ्री ई थ्री, देन यू डॉट वी इज सिंपली इक्वल्स टू यू वन वी वन प्लस यू टू वी टू प्लस यू थ्री वी थ्री एंड दैट इज वॉट इज शोइंग अप हियर, ठीक है। तो आप बहुत ईजीली you can just write this, as soon as you see this you can replace this thing with ui vi, that's it, indices notation, sahi hai। ab agar main isi cheez ko likhna chahu using the complete summation thing to how would I do that, I would actually have to write it like summation I equals to 1 2 3 ui vi and that's it, it ठीक है। आई थिंक दिस इज ए गुड पॉइंट टू स्टॉप, तो ऑल्दो हमारे पास भी टाइम है बट वी शुड स्टॉप हियर बिकॉज अभी हमें कॉर्पोरेट की जो बात करनी है उसमें उसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लंबी होती है, दैट वुड टेक टू लॉन्ग। तो इन द नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट, उसकी इंडिशियल नोटेशन देखेंगे क्या होती है और उसको प्रूफ करके देखेंगे वेदर वी कैन डू दैट, and then we'll talk about start talking about tensors, okay, and we'll see basically hota kya hai tensors and some basic rules unke kya hote hain and we'll see how much we can do in the next week. Shuru ke kuch weeks hum sirf mathematical development karenge and then we'll jump into kinematics jisme hum rigid body kinematics aur deformable body kinematics ko dekhenge and let's see how fast we can cover that. Theek ho gaya ji, koi question ho koi suggestion ho to I'm available right now, you can रमजान की टाइमिंग सर हम वी आर थिंकिंग टू टू फोर कर ले, बिकॉज हमारा भी सर 2 बजे तक है और 40 मिनट्स की क्लास रमज़ान में हमारे यहाँ रखी गई है, 3 लेक्चर्स आर 2 आवर्स, तो हम कोशिश करके 4 o'clock से पहले ख़त्म कर लेंगे ताकि फिर ताकि शाम में हमें मुश्किल हो जाता है, शाम को नहीं कर सकते, ठीक है। और डॉक्टर जौहर की क्लास के लिए तो उनसे ही बात करनी पड़ेगी, डॉक्टर जौहर की क्लास के लिए जी सर उनसे बात करनी पड़ेगी, तो वो भी रमज़ान में ही आ रही है जी सर, तो अब वो फिर अभी अनाउंसमेंट मेरे ख्याल से आ जाएगी, थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों को फॉर्मली थोड़ा सा बता दीजिए टाइम टेबल का, वैसे वो प्लान यही है कि 2 to 4 लेके चलें। अब
सर ये तो 2:30 कर 2:30 में थोड़ा सा मसला होगा। उसकी वजह यह है कि हम अगर मतलब हमारी यूनिवर्सिटी 2 o'clock पर ऑफ हो रही है, राइट। तो व्हाट आई प्लान्ड वाज, हम सब ने ये प्लान किया था बाकी कोर्सेज में भी, कि विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट सो दैट वी कैन फिनिश, वरना फिर 2:30 के लिए वही है कि वील हैव टू सेट अराउंड देयर, एंड क्योंकि हम घर तो नहीं पहुँच सकते उस टाइम 30 मिनट्स में, तो या तो फिर 3 o'clock से ऑनवर्ड चलाएं, उससे फिर ये होता है कि शाम हो जाएगी। तो उसमें अगर कोई इशू है तो वी कैन टॉक, वी कैन थिंक अबाउट दिस, क्योंकि अगर ये इशू एक कोर्स में तो भी तो सब कोर्सेज में होगा आपके। तो अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि किस वजह से ये हो रहा है। आई टॉक टू द एचओडी एंड सी एल विल सी व्हाट वी कैन डू। ठीक है, ऑल राइट। तो लेट्स एंड दिस थिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर, एंड दिस इज द टाइप ऑफ थिंग्स वील डू इन दिस कोर्स। सो मैथमेटिकल होगा सब कुछ, और पेस मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा तेज नहीं हूँ, दैट्स वाई एम ट्राइंग टू राइट, ताकि उससे पेस ऑटोमेटिकली थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। चीज़ें स्लोली डेवलप होंगी इंशाल्लाह, बाय द एंड यू विल बी एबल टू डील विद फेयरली कॉम्प्लिकेटेड स्टफ इन दिस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।